सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसीफे को और उठा लो, बंसीफे को और उठा लो, हाथों में तलवार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों। भारत देश में एक बड़ा अभियान चल पड़ा है भारत स्वाभिमान का, उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ। और मेरा आनंद दोगुना आज इसलिए भी है कि मेरे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए मेरे गुरु तुल्य माता पिता भी दोनों मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, भाव से चरण स्पर्श करता हूँ। भारत स्वाभिमान का जो अभियान चला है, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया है। ये अभियान 5 जनवरी 2009 को स्थापित हुआ है और बहुत तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है। लगभग 6 महीने अभी हुए हैं इस अभियान को शुरू हुए और 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हुए हैं और अगले 6 महीने में करीब 11,50,000 कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। इसके अलावा परोक्ष रूप से हमें काम में मदद देने के लिए सहयोगियों की संख्या करोड़ों में है। इस देश में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा हमारे सहयोगी तैयार हो रहे हैं इस काम में, हमारे लिए तन मन धन से मदद देने के लिए। इस अभियान को क्यों शुरू किया है, इसकी ज़रूरत क्या है, भारत देश की आज़ादी के 62 साल के बाद इस तरह का काम करने का महत्व क्या है, ये सब बड़े प्रश्न हैं। कोशिश करूंगा कि मेरे व्याख्यान से उनका जवाब मिल सके और मेरे व्याख्यान के बाद मैं आपको भरपूर समय दूंगा प्रश्नोत्तर करने के लिए। आप जितनी देर यहाँ प्रश्न करना चाहेंगे मैं यहाँ बैठूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। भारत स्वाभिमान का अभियान जो शुरू हुआ है वो क्यों हुआ है और ये अभियान क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी नीतियाँ क्या हैं, इन सब बातों को शुरू करने से पहले देश के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे कहना चाहता हूँ। अपने भारत देश की आज की जो वर्तमान परिस्थिति है बड़ी भयावह है। देश की दशा और दिशा दोनों ही ठीक नहीं है। हमारे भारत की जो दशा है बहुत खराब है। आज़ादी के 62 साल के बाद इतनी खराब स्थिति किसी देश की हो सकती है, ये सुनकर बहुत अफसोस मन में होता है। और ये एक ऐसे देश के बारे में अफसोस होता है जिस देश में महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तांत्या टोपे, नाना साहब पेशवा, नाना फडणवीस, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारीबाई, कित्तूर चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, ऐसे महान महान क्रांतिवीरों की जन्मस्थली कर्मस्थली जो देश रहा, उस देश के बारे में ये जान और सोचकर बहुत अफसोस होता है कि इतनी खराब हालत है। हमारे महापुरुषों के नाम लेना शुरू करें तो श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, नानक साहब, हमारे देश में दक्षिण में हुए तिरुवल्लुवर, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ऐसे अनेक अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली भारत, उसकी आज की दशा देखकर बहुत अफसोस और दुख होता है। कभी इस देश में राम राज्य रहा, कभी इस देश में कृष्ण राज्य रहा। राम राज्य के बारे में आप सभी जानते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में कदों न व्यापा। माने भगवान श्री राम की राज्य की स्थिति ऐसी रही है कि दैविक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख कभी किसी को नहीं रहा। और ये तीन तरह के ही दुख जीवन में सबसे बड़े होते हैं, कभी नहीं रहे इस देश में। ऐसा राज्य कभी चलता रहा जिस देश में, आज उस राज्य में हर व्यक्ति को दैहिक दुख, हर व्यक्ति को दैविक दुख, हर व्यक्ति को भौतिक दुख हो गया, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हो गया हमारे देश को, कौन सी ऐसी विपता ने घेरा, कौन सी ऐसी हमारी कर्महीनता की स्थिति बनी है, क्या हो गया है जो हम इतनी दारुण स्थिति में हैं। जिस भारत में श्री राम ने कभी शासन किया और राम राज्य में कभी कोई गरीब नहीं, भुखमरी का शिकार नहीं, कोई चोरी नहीं करता, कोई डकैती नहीं डालता, किसी को फांसी नहीं देनी पड़ती, कोई अपराध नहीं होता, ऐसा आदर्श राज्य जिस देश में रहा हो, उस देश के आज के राज्य की व्यवस्था बहुत शोचनीय है, बहुत ज़्यादा दुर्गतिपूर्ण है।
कुछ छोटी छोटी बात आंकड़े में करूं तो वो कुछ ऐसी बातें हैं, 115 करोड़ की आबादी का देश है और इस 115 करोड़ की आबादी के देश में 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं। इतनी दारुण स्थिति है इस देश की। हमारे भारत देश की जो सरकार चल रही है इस समय, उसके प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक विषय के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। हमारे देश की सरकार का एक बड़ा विभाग होता है जिसका नाम है योजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट। पंचवार्षिक योजनाएं जहां से बनती हैं, उस विभाग के सालों साल उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। श्रीमती इंदिरा गांधी जब इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उनके आर्थिक सलाहकार रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। बंगाल की सरकार के सालों साल वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। दुनिया के कम 25 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं, पेंसिल्वेनिया में जाते हैं, बफेलो में जाते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। दुनिया भर के जितने बड़े विश्वविद्यालय आप जानते हैं, हर जगह उनकी क्लास होती है, उनके लेक्चर्स होते हैं। इतने विद्वान व्यक्ति को भारत की सरकार ने एक जिम्मेदारी दी थी थोड़े साल पहले, लगभग 5 साल हो गया, और उनको ये कहा था कि भारत की आज़ादी के 62 साल के बाद गरीबी की स्थिति क्या है इसका पता लगाइए, इस पर अध्ययन करिए। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने 5 साल अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है जो करीब 700 पेज की है। पूरी रिपोर्ट तो नहीं सुना सकता, समय की बहुत कमी है, लेकिन उस रिपोर्ट का सबसे मुख्य अंश मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने रिपोर्ट में लिखा कि मुझे इतनी हैरानी है, इतना अफसोस है, इतना दुख है ये कहते हुए कि आज़ादी के 62 साल के बाद इस देश के विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। ये एक बहुत विद्वान प्रोफेसर कह रहा है। उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस समय। वो कह रहे हैं कि विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, लगभग विकास नहीं हुआ है। क्यों? वो ये कहते हैं कि जब आज़ादी आई 1947 में तो 4 करोड़ लोग गरीब थे और जनसंख्या उस समय लगभग 33 करोड़ थी। अब आज़ादी के 62 साल के बाद जनसंख्या 115 करोड़ हो गई और गरीबों की संख्या 84 करोड़ हो गई। माने आज़ादी के 62 साल में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है इस देश में। अंग्रेजों के जमाने में गरीबी आई थी, उसका कारण था कि अंग्रेज हिंदुस्तान का धन और संपत्ति सब लूट कर ले गए, इसलिए गरीबी आ गई इस देश में। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हो गया इस देश को? इतनी गरीबी कहाँ से आ गई इस देश में? अगर गरीबी को हम ऐसा मान लें कि जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती है, हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री हैं जो ये तर्क देते हैं कि जितनी संख्या बढ़ेगी लोगों की उतनी गरीबी बढ़ेगी, तो जनसंख्या हमारी 3.5 गुनी बढ़ी है, लगभग 3 से 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3 से 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो 12 करोड़ लोग गरीब होने चाहिए। अब 84 करोड़ कहां से आ गए? और 84 करोड़ लोगों की गरीबी भी इतनी भयंकर है कि इनमें से लगभग 20 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं जो 15 रुपए एक दिन में खर्च नहीं कर सकते। लगभग हमारे देश में 20 करोड़ लोग एक दिन में 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 7 रुपए खर्च नहीं कर सकते और करीब करीब 10 से 11 करोड़ ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी हमारे देश में। अगर जनसंख्या की हिसाब जोड़ें, 34 करोड़ की जनसंख्या डबल कर दो, 78 करोड़ हो जाती है, तो आजादी के समय में जितनी जनसंख्या थी उससे दुगने से ज्यादा तो अभी गरीब हैं इस देश में। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है
इस देश की प्रशासन व्यवस्था पर कि 62 साल में हमारे शासन और प्रशासन ने किया क्या। गरीबी कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ गई। हमारे देश की सरकार हर 10 साल पर जनसंख्या का आकलन कराती है, जिसको आप जनगणना कहते हैं। जनगणना जब पिछली बार हुई 2001 में और अब होगी 2011 में, तो 2001 की जनगणना के समय सरकार ने कहा कि इस देश में 20 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, और 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अर्ध बेरोजगार हैं। अर्ध बेरोजगार से मतलब किसी को साल में एक महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में 2 महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में 3 महीने काम मिल जाता है। जब फसल की कटाई होती है तो कुछ को मजदूरी मिल जाती है, जब फसल को शहरों से माने गांव से मंडियों में पहुंचाना होता है तो बैलगाड़ी में ढोड़ो कर ले जाने वालों को थोड़ा काम मिल जाता है, कभी गांव में कुछ काम नहीं है तो लोग ईंट के भट्टे पर जाकर नौकरी कर लेते हैं, साल में 2-3 महीने 4 महीने उनको वहां काम मिल जाता है, कभी रिक्शा चला लेते हैं, कभी ठेला लगा लेते हैं, कभी रेहड़ी लगा लेते हैं, कभी फुटपाथ पे अपनी दुकान सजा लेते हैं। इस तरह का काम करने वाले 40 करोड़ लोग हैं इस देश में, उनको अर्ध बेरोजगारों में गिना जाता है। तो अर्ध बेरोजगार 40 करोड़ हैं, पूर्ण बेरोजगार 20 करोड़ हैं, माने लगभग 60 करोड़ लोग हैं जिनको कोई सम्मान नहीं है इस देश में जिंदा रहने के लिए, क्योंकि रोजगार नहीं है कोई सम्मानजनक। इन्हीं में वो लोग शामिल हैं जिनको आजकल हमारी सरकार के द्वारा कुछ काम दिया जाता है, 100 रुपये रोज का 3 महीने तक साल में। आप जानते हैं कि योजना चल रही है भारत सरकार की ग्रामीण विकास के लिए, तो उसमें 3 महीने काम मिलता है, और वो काम भी ऐसा विचित्र है, खड्डा खोदो फिर मिट्टी डालो, फिर खड्डा खोदो फिर उसी में मिट्टी डालो, इसी का काम दे देते हैं 100 रुपये रोज का। इतना अपमानजनक है, वहीं खड्डा खोदा थोड़ी देर में उसी पे मिट्टी डलवाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सच में कोई उत्पादक काम नहीं है, किसी तरह से बेगार टालने वाली स्थिति है, वो भी इन्हीं 60 करोड़ में शामिल है। तो आजादी के बाद हमने किया क्या है इस देश के साथ, 60 करोड़ लोगों को आज तक हम काम नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए। फिर आप बोलेंगे कुछ लोगों को तो रोजगार मिला हुआ है इस देश में। हाँ मिला हुआ है, हमारे देश की सेना में काम करने वाले जो सैनिक हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में लगभग 20 लाख के आसपास हैं कुल, 14 लाख तो आर्मी में हैं, बाकी एयरफोर्स और नेवी में। फिर अर्धसैनिक बल हैं हमारे देश में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और CRPF वगैरह है, वो 35 से 40 लाख हैं। फिर हमारी रेलवे में 15 लाख लोग काम करते हैं, फिर बैंकों में करीब 17 लाख लोग काम करते हैं, फिर बीमा कंपनियों में कुछ 12-13 लाख लोग काम करते हैं, फिर भारत के पब्लिक सेक्टर में कुछ लोग काम करते हैं, फिर सरकारी नौकरियों में काम करते हैं, फिर राज्य सरकारी नौकरियों में काम करते हैं। ऐसे कुल लोग अगर मिला दिए जाएं ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक, तो भारत के 35 राज्यों में कुल जमा 2 करोड़ लोग हैं ऐसे, बस 2 करोड़ लोग हैं जिनको परमानेंट नौकरी है, परमानेंट, जिनकी कहीं नौकरी जाने वाली नहीं है। भले उनकी तनख्वाह के लिए कर्ज लेकर सरकार को काम करना पड़े, लेकिन उनकी तनख्वाह बदस्तूर रहने वाली है। और यही 2 करोड़ लोग हैं इस देश में जिनको TA मिलता है, जिनको DA मिलता है, जिनको HRA मिलता है, और उनका TA, DA, HRA समय के हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति जिसको आप कहते हैं, तो उनका TA बढ़ जाएगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो DA बढ़ जाएगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो HRA बढ़ जाएगा, उनके दूसरे अलाउंसेस उनको मिल जाएंगे। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि 115 करोड़ के हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बड़े मजे की, ऐश की, आराम की और आनंद की है, 2 करोड़ लोग, बाकी सब भिखमंगों की हालत में। और ये जो 2 करोड़ लोग हैं, इनमें मैंने इनको भी शामिल कर रखा है, टाटा, बिरला, डालमिया, धीरू भाई अंबानी, नुस्ली वाडिया, गोयनका, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनको भी शामिल कर रखा है। अब कैसा हिंदुस्तान बना है 62 साल की आजादी में। एक दिन मैं रिलायंस कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ रहा था, उनके कुछ डेटा निकाल रहा था, आंकड़े निकाल रहा था, तो पता चला कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों की
एक मिनट की आमदनी 20,000 रुपए, एक मिनट की आमदनी मिला के नहीं, अलग अलग। मुकेश अंबानी की एक मिनट की आमदनी 20,000 है, एक मिनट की, तो पूरे दिन की आमदनी 12 से 13 लाख के आसपास निकलती। अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं जिनकी एक मिनट की आमदनी 20,000 है, और 84 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनकी एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हमने बनाया। अगर इसको किसी मुहावरे में कहना पड़े तो कुछ ऐसा ही देश है ये, कि संपत्ति और समृद्धि के कुछ थोड़े बहुत टापू बन गए हैं, बाकी गरीबी का महासागर और दलदल इस देश में लहरा रहा है। आप में से भी जो लोग यहां बैठे हैं, काफी 80 से 90% आप में से वही लोग हैं वो जो 2 करोड़ वाली श्रेणी में आते हैं। हाँ, आप लोग 84 करोड़ वालों में से नहीं है। उनको तो सुबह को खाकर शाम की जी, और शाम को खाकर अगले सुबह की, इसी चिंता में जिंदगी बीतती है। तो हमने किया क्या है इस देश में आजादी के बाद, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। और हमारे देश की संसद अब इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को मैं 2 बार मिला ये रिपोर्ट आने के बाद, और मैंने उनसे कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गई, हाँ आ गई, आपने संसद को दे दिया, हाँ दे दिया, प्राइम मिनिस्टर को दे दिया, हाँ दे दिया, आगे क्या? तो उन्होंने कहा आगे क्या, वो कूड़े की टोकरी में चली गई, आगे क्या, जैसे सब रिपोर्ट आती है और चली जाती है। तो मैंने कहा अगर कूड़े की टोकरी में ही डालना था तो आपने 5 साल इतनी मेहनत क्यों की? तो उन्होंने कहा मैंने मेहनत सिर्फ इसलिए की कि देश के लोगों की आंखें खोल सकूं कि हुआ क्या 62 साल में। हम तो 62 साल में ये मान के बैठे हैं कि देश ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ा विकास कर लिया है इस देश ने। और हमारे तरक्की और विकास को हम नापते कहां से हैं? बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं, 6 लेन की सड़क बन गई है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, चतुर्भुज, वो जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और फिर गोल्डन ट्रायंगल, ये सब बन गए हैं। बड़े बड़े 5-स्टार होटल बन गए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, कहीं कहीं शहरों में मेट्रो ट्रेन चलने लगी है, कहीं मोनो रेल चलने लगी है, हवाई जहाज आसानी से उड़ने लगे हैं, हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोग बढ़ने लगे हैं, रेल में एसी क्लास में सफर करने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो हम तो ये सब देख के कहते हैं देश ने बड़ा विकास कर लिया, लेकिन अगर जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से इसको निकाल कर देखना शुरू करें तो ये बिल्कुल शून्य के नजदीक नजर आता है, नेग्लिजिबल नजर आता है जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से देखें तो। दूसरा हिस्सा ही है जो बहुत बड़ा नजर आता है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी का। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरी तो बहुत बेचैनी बढ़ गई कि ये हुआ क्या हमारे यहां। हम तो ये मानते थे कि 62 साल सरकार ने बहुत काम कर दिया, लेकिन रिपोर्ट ने तो सरकार की सारी पोल खोल दी। और वो रिपोर्ट कोई ऐसे आदमी की होती जो साधारण है, कोई राजनेता अगर और उस रिपोर्ट को बनाता तो मैं कतई आपके सामने ये बात कहने के लिए नहीं आता, क्योंकि राजनेताओं की बातों पर भरोसा कर पाना अब हमारे लिए संभव नहीं रहा है। हाँ, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने ये कहा होता, उपाध्यक्ष ने कहा होता, संसद में बैठे हुए एमपीज या एमएलएज, विधायिका में बैठे हुए उन्होंने कहा होता, हम कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि उनकी बातों पर तो बात करना ही मूर्खता है। लेकिन एक बड़े विद्वान व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, जिसने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और वो ईमानदार और निस्वार्थ भाव से इस बात में लगा हुआ है कि आजादी के 62 साल इस देश में हुआ क्या ये जानना चाहिए, वो बताने के लिए ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। गरीबी मिटी नहीं, बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, बहुत बढ़ गई। लोगों की भुखमरी भी कम नहीं हुई, बहुत बढ़ गई। आपको शायद मालूम है या नहीं, 20 करोड़ लोग इस देश में भूखे पेट सोते हैं रोज रात को, हमारी सरकार के आंकड़े हैं और उस रिपोर्ट में भी ये जानकारी है, 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे जो जन्म लेते हैं इस देश में वो अपनी उम्र के 3रे महीने में मर जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ उनको दूध पिलाने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि माँ के शरीर में दूध नहीं बनता, क्योंकि माँ को संपूर्ण भोजन नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती। आधे से ज्यादा बच्चे 3रे महीने उम्र तक पहुंचते मर जाते हैं।
आजादी के 62 साल हो गए, हमारे देश की 50% आबादी अभी भी अनपढ़ है, निरक्षर है, जिसको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। हमारे देश में अगर आंकड़ों में आप देखेंगे तो स्कूलों की संख्या लगभग 13 लाख है, लेकिन जब मैंने ज्यादा बारीकी से देखना शुरू किया तो इन 13 लाख स्कूलों में 90% स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, मूत्रालय नहीं है, संडास घर नहीं। जिन स्कूलों में मूत्रालय ना हो, संडास घर ना हो, वहां बिल्डिंग कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते। हमारे देश में जितने विद्यार्थी कक्षा एक में पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं, कक्षा 8 तक आते आते आधे विद्यार्थी उसमें से निकल जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉप आउट्स, आधे से ज्यादा। और जो उच्च शिक्षा के द्वारा तैयार होकर निकल आते हैं, 35 से 40 लाख विद्यार्थी हर साल इस देश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। इससे भी ज्यादा दारुण की स्थिति, दुख की स्थिति इस देश में यह है कि जनसंख्या की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ग्रामीण इलाके में है, गांव में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, और वहीं पर काम करने के अवसर सबसे ज्यादा खत्म हो रहे हैं दिन ब दिन। हर साल हमारे देश में 1,80,00,000 नए लोग बढ़ जाते हैं, माने बच्चे पैदा हो जाते हैं साल में। 1,80,00,000 का मतलब है एक ऑस्ट्रेलिया हर साल इस देश में जुड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी 1,80,00,000 की है, तो एक ऑस्ट्रेलिया नाम का देश हर साल इस देश में जुड़ जाता है, 1,80,00,000 नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, और हर साल हमें 1,80,00,000 नए रोजगार की जरूरत है। लेकिन हर साल इस देश में 25 से 30 लाख रोजगार जो पहले से मिले हुए हैं वो खत्म होते जाते हैं, नए रोजगार तो सवाल ही नहीं। अब समस्या क्या है, गांव में जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है, खेती योग्य जमीन गांव में है नहीं। 14 करोड़ हेक्टेयर कुल जमीन है जहां पर खेती होती है इस देश में, 70 करोड़ एकड़ के बराबर। अब 70 करोड़ एकड़ जमीन पर हर साल 1,80,00,000 लोगों का बोझा बढ़ता जाए तो यह जमीन कितने दिन बर्दाश्त करेगी। हमारे देश में हर किसान के हिस्से में एवरेज 1 एकड़ जमीन आती है, करीब 70 करोड़ किसान है और 70 करोड़ एकड़ जमीन है, तो एक किसान के पास 1 एकड़ है। हर साल 1 करोड़ नए किसान तैयार हो जाते हैं इस देश में, उनके लिए जमीन कहां से आए खेती करने के लिए। तो परिणाम क्या होता है, गांव में बोझा बढ़ता है जमीन पर, तो लोग गांव से शहर भागते हैं रोजी रोटी की तलाश में, शहर में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती चली जाती। गांव से जो लोग विस्थापित होकर शहर में आते हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं, और हमारे हर बड़े शहर में आप जाकर देख सकते हैं एक विशाल झुग्गी झोंपड़ी रहती है। कभी बंबई जाने का मौका मिले तो चले जाइए, एशिया खंड की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी बंबई में ही है, धारावी। और बंबई शहर की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ी में रहती है। दिल्ली चले जाइए, मद्रास चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, हर शहर में आपको दिखाई देगा 60-65% आबादी या तो फुटपाथ पर है या झुग्गी झोंपड़ी में। ऐसे स्थान पर हमारे देश की 65% आबादी रहती है जिस स्थान पर आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदगी होती है झुग्गी झोंपड़ियों की जिंदगी में। 1 मिनट आप बिना रूमाल नाक पर रखे खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज बदबू होती है, इतना कीचड़ होता है, कुत्ते भी वहीं होते हैं, कीचड़ भी वहीं होता है, आदमी भी वहीं होते हैं, और वो लोग साल दर साल अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। सड़क के किनारे बड़े बड़े पाइप पड़े रहते हैं सरकार की कुछ योजनाओं में काम आने के लिए, उन पाइप में रहकर 20-20 साल गुजारे हुए परिवारों को मैंने देखा, पाइप में रहकर, वो गोल पाइप कंक्रीट के सड़क के किनारे पड़े रहे। बारिश आती है तो आप जैसे लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि भगवान की कृपा हो रही है, जो फुटपाथ पर रहते हैं वो रात दिन भगवान को गाली देते हैं कि वो सोएं कहां,
65% आबादी ऐसी है जो बारिश आने पर खुश नहीं होती, वो भगवान को गाली देते हैं क्योंकि सोने वाली जमीन उनकी गीली हो जाती है। हुआ क्या फिर इस देश में, क्या हुआ? 62 साल हमने इतने विकास की योजनाएं बनाई, क्या हो गया इस देश को? बुनियादी जरूरतों के बारे में भारत सरकार की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी आज से 4-5 साल पहले कि कितने लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने का मौका मिलता है। 7 करोड़ परिवार हैं सिर्फ जिनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। बुनियादी जरूरतें माने उनके पास बिजली है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास बीमार होने के बाद डॉक्टर की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है। सिर्फ 7 करोड़ परिवार, बाकी 14 से 15 करोड़ परिवारों के पास तो वो भी नहीं है बुनियादी जरूरतें पूरी करने का कोई रास्ता नहीं। ना उनके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना चिकित्सा है, ना डॉक्टर है, ना दवाएं। 6,38,365 गाँव हैं इस देश में, मुश्किल से 2.5-3 लाख गाँव हैं जहाँ बिजली है, मुश्किल से 2.5-3 लाख, मुश्किल से 1.5-2 लाख गांव हैं जहां चलने को सड़क है, बाकी सड़क ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो बार बार मन में प्रश्न आता है कि क्या हुआ इस देश को, हमने इतनी योजनाएं बनाई, गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ इस देश की हर सरकार के लिए प्राथमिक सूत्र है। आपको मालूम है 62 साल आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई सबका प्रमुख उद्देश्य है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही है। हर सरकार कहती है गरीबी हटाओ। किसी भी प्रधानमंत्री को आप पूछेंगे आपकी योजना की प्राथमिकता क्या है तो वो कहेंगे गरीबी हटाओ। कब से सुन रहे हैं हम ये गरीबी हटाओ? आप में से तो कई लोग बुजुर्ग हैं, आपने तो पंडित नेहरू को देखा होगा, पंडित नेहरू के जमाने से लोग सुन रहे हैं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, अब तक हटती नहीं। बेरोजगारी मिटाओ बेरोजगारी मिटती नहीं, भुखमरी हटाओ भुखमरी मिटती नहीं, बच्चों को पढ़ाओ बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्या हो क्या रहा है? ये गंभीर प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश जब हम लोगों ने की तो पता चला कि आज़ादी के 62 साल इस देश में कुछ खास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूँ, यहाँ कुछ बुजुर्गों को देख रहा हूँ इसलिए दिल में आया ये बात कहूँ। एक इस देश में बड़े नेता हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया, बड़े तेजस्वी आदमी थे। जब संसद में भाषण देते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि जिस दिन लोहिया जी का भाषण होता था नेहरू जी सब काम छोड़कर उसे सुनने के लिए जाते थे। खुद प्रधानमंत्री लोहिया जी का भाषण सुनने के लिए जाते। एक बार क्या हुआ, नेहरू जी का लोहिया जी का संसद में टक्कर हो गई। नेहरू जी पंचवार्षिक योजनाओं की विशेषताओं पर भाषण दे रहे थे और संसद को बता रहे थे कि मेरी पंचवार्षिक योजना माने 5-ईयर प्लान से इतनी गरीबी दूर होगी, इतनी बेकारी दूर होगी, इतनी भुखमरी दूर होगी। तो लोहिया जी ने एक सवाल पूछ लिया था, संसद की दस्तावेजों में दर्ज है, रिकॉर्ड्स में दर्ज है, सवाल ये पूछ लिया था प्रधानमंत्री महोदय से कि इस देश के सबसे गरीब आदमी की आमदनी बता दो कितनी है। प्रधानमंत्री से पूछा था सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी बता दो। तो प्रधानमंत्री परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा तत्काल तो नहीं बता सकता, तो उन्होंने कहा 2 महीने में बता दो, 3 महीने में बता दो, बता दो। तो 2-2.5 महीने के बाद संसद में प्रधानमंत्री का जवाब आया कि देश के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। आना तो आप समझते हैं 16 आने का 1 रुपया और 2.5 आना है, और ये बात चल रही है 60s की, 60 के दशक में ये चर्चा चल रही थी हमारी संसद में। तो उस समय 2.5 आना आमदनी थी एक गरीब आदमी की जो सबसे अंतिम माना जाता था एक दिन की। मैंने हिसाब जोड़ा अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कि 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपया है और 1965 के आसपास सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। तो 2.5 आना 1965 का 2009 के 20 रुपए के ही बराबर है। आप बोलेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे रुपए का पिछले 40-45 सालों में बहुत अवमूल्यन हुआ है, डिवेल्युएशन हुआ है।
तो 1965-66 के दौर का ढाई आना 2009 का 20 रुपया बैठता है, इसका मतलब ये है कि हमारा देश 1965 में जाकर ठहर गया है, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। ये है वास्तविक स्थिति। अब थोड़ा पीछे चलें, सरकार के पास जब ये प्रश्न जाता है तो वो ये उत्तर दूसरे तरह से देते हैं। वो कहते हैं जी तब से लेकर तो हमने इतनी पंचवार्षिक योजनाएं लगाई हैं, चलाई हैं। एक पंचवार्षिक योजना बनती है तो उसका खर्चा 10 लाख करोड़ का होता है, एक पंचवार्षिक योजना, एक फाइव ईयर प्लान। और 11 फाइव ईयर प्लान बन चुके हैं, 10 लाख करोड़ का एक होता है, तो सीधा सीधा हिसाब निकलता है 110 लाख करोड़ रुपए तो सरकार ने खर्च कर ही दिए। अब 110 लाख करोड़ रुपए जिस देश की पंचवार्षिक योजना में खर्च हो चुके हैं, वहां 84 करोड़ लोग गरीब कैसे हैं, ये समझ में नहीं आता। एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाख करोड़ रुपए को एक एक आदमी को ऐसे ही बांट देते तो हर आदमी इस देश में लखपति हो जाता, क्योंकि 115 करोड़ की तो जनसंख्या है और 110 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। करोड़ से करोड़ को काट दो, 110 लाख बचता है और 110 लाख में 110 का भाग दे दो, हर आदमी पर 1 लाख रुपए तो निकल ही आता है ना, तो हर आदमी लखपति हो जाता अगर ये योजनाएं ना होती, सीधे रुपया उनको दे दिया जाता। माने गरीबी से तो बाहर आ ही जाता हर आदमी, लेकिन योजनाएं सरकार ने बनाई तो गरीब तो वहीं के वहीं रहे और ज्यादा बढ़ गए, योजना चलाने वालों की गरीबी जरूर दूर हो गई। जिन्होंने योजनाएं बनाई और जिन्होंने योजनाएं चलाई सब करोड़पति, 10 करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए सबके सब। और जिनके लिए योजनाएं बनाई वो सब वहीं के वहीं रोडपति हैं अभी भी। मतलब सीधा सा ये है कि जो व्यवस्था के हिस्से हैं, अंग हैं, व्यवस्था बनाई गई योजनाओं को चलाने के लिए, वो व्यवस्था तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गई, लेकिन जिनके लिए वो चलाई गई थी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। इसका मतलब इस व्यवस्था में खोट है, इस व्यवस्था में दोष है। और ये बात मैं नहीं कहता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कही, सारे देश की आंखें खुल गईं। उन्होंने 1984 में संसद में कहा कि जब मैं गरीब आदमी के विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो उसके पास 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा व्यवस्था खा जाती है, भ्रष्टाचार और लूटखोरी में चला जाता है। ये 1984 में उन्होंने कहा था जब भ्रष्टाचार बहुत कम था। अब 2009 आ चुका है, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। हो सकता है अब 1 रुपया दिल्ली से आता हो तो नीचे 5 पैसा भी नहीं पहुंचता हो। मतलब सीधा सा है कि हमने जो व्यवस्था बनाई है गरीबी, भुखमरी, बेकारी मिटाने के लिए, देश के दुख दर्द मिटाने के लिए, वो व्यवस्था ही इन सब का कारण है, गरीबी का, भुखमरी का, बेकारी का, हमारे दुख दर्दों का। माने व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था में खोट है। और वो दोष क्या है? राजीव गांधी ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में भयंकर लीकेज है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, लीकेज। कहानी कुछ ऐसी है कि एक घड़ा है आपके पास, उसमें आप पानी भरना चाहते हैं और जगह जगह से छेद हैं उसमें, तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल घड़े को भरते ही रहिए, कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि छेद हैं उसमें। ऐसी हमारी व्यवस्था है। कितना भी हम विकास के लिए पैसे को खर्च करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, विकास होगा नहीं, क्योंकि व्यवस्था में जगह जगह लीकेज है। इसका मतलब इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। सत्ता बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। हम कहां फंसे हैं? हम यहां फंसे हैं, एक पार्टी की सरकार आई, दूसरे को बिठा के देखो, दूसरे की आई, तीसरे को बिठा के देखो, तीसरे की आई, चौथे को बिठा के देखो, काम तो सब एक ही तरह से करते हैं।
तरीके सबके एक ही जैसे हैं, नाम का फर्क है, नीतियां सबकी एक ही जैसी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी ये बात दम ठोक के कह सकता हो कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कम था, उसमें ज्यादा था। मुझे तो जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं पुरानी सरकार अच्छी थी, उसमें कुछ कम था, अब तो और ज्यादा। और इसके आगे कोई आएगी तो कहेंगे अब और ज्यादा है। सीधा सा मतलब है कि जो व्यवस्था चलाने वाली सरकारें हैं, दोष और खोट वहां पर है। जब तक उस दोष और खोट को आप मिटाते नहीं, तब तक इस देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी दूर होती नहीं। सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता। एक को हटाओ, दूसरे को बिठाओ, दूसरे को हटाओ, तीसरे। मेरा कुछ ऐसा मानना है कि अगर कोई गाड़ी खराब है तो कितने दिन ड्राइवर बदल के चलाओगे आप उसे? गाड़ी ही खराब है। आपने कहा भाई इसको ड्राइवर बना लो, उसने चला के देखा, उसने कहा एक 5 साल चला के छोड़ दिया, वो कहता खटारा है, बेकार है, अब दूसरे को बना लो, तीसरे को बना लो। ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी को ही बदलना पड़ेगा। ये जो व्यवस्था है ना, ये गाड़ी के जैसी है। 62 साल से हम चला रहे हैं खटारा गाड़ी, और ये दुर्भाग्य से खटारा गाड़ी 62 साल से नहीं, 250 साल से चल रही है। जब अंग्रेज थे तब वो भी यही गाड़ी चलाते थे, अंग्रेजों के जमाने से ये गाड़ी चल रही है, आज तक चल पाई है, क्योंकि वो है ही खटारा। और अंग्रेजों ने ये गाड़ी बनाई थी अपने हिसाब से, अपने चलाने के लिए। हमने उसी को चलाने की कोशिश की, हम उसे चला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमको अंग्रेजों जैसा भी शऊर नहीं है। हमारी समस्या एक ही है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो ही पूरी खराब है, कंडम है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषपूर्ण है, भ्रष्ट है, करप्ट है, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें। उसको जब तक आप ठीक नहीं करते, तब तक सत्ताओं के बदलने से, सिंहासन बदलने से कुछ नहीं होता। हमको ये बात समझ में आई है बहुत अध्ययन, बहुत अभ्यास करके। तो इसलिए भारत स्वाभिमान का जो गठन हमने किया, उसका पूरा का पूरा एक ही उद्देश्य है कि इस देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना, जड़ से पूरी व्यवस्था को बदलना। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। क्या बदल करना, कैसे बदल करना और कितना बदल करना। अब सबसे बड़ा बदल जो हम करना चाहते हैं वो इस लीकेज का बदल करना चाहते हैं। हम हमारी सरकार को टैक्स के रूप में हर साल लाखों करोड़ रुपए देते हैं। अगर ठीक ठीक बात करूं तो 6,14,000 करोड़ रुपए हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, दिल्ली सरकार को। राज्य सरकारों की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह 35 राज्यों को, और राज्य सरकारों को दिया गया कुल पैसा जोड़ दें और केंद्र सरकार का भी उसमें जोड़ दें, तो कुल साल में 20,00,000 करोड़ रुपए हम सरकार को देते हैं, राज्यों को, केंद्र को, जिला सरकार को, स्थानीय सरकार। अब जिन सरकारों को साल में 20,00,000 करोड़ रुपए लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का मिलता हो, और वो सरकारें दांत निकाल के खीखी करें और हंसें कि भाई गरीबी हमसे दूर नहीं होती, बेकारी दूर नहीं होती, भुखमरी दूर नहीं होती, तो इसका माने दोष कहीं वहां पर है बड़ा। हम तो दे ही रहे हैं अपनी ईमानदारी से। इस हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में एक समय भी ऐसा नहीं गया जब सरकार ने लोगों का टैक्स माफ किया हो, कोई एक साल ऐसा नहीं गया। बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं इस देश पर, सरकार ने टैक्स कभी माफ नहीं किया है। माने हम बराबर ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, पहले अंग्रेजों को देते थे, अब काले अंग्रेजों को दे रहे हैं बराबर, पूरी ईमानदारी से इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज दे रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स दे रहे हैं, लोकल टैक्सेस दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, रोड पर और टोल टैक्स दे रहे हैं। पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं, हर 20-25 किलोमीटर चलने का टोल टैक्स अलग से देते हैं। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरे तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों, और हर 20-25-50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था
दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा है दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले जाएं। तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉरपोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं, 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी भुखमरी बेकारी क्यों होनी चाहिए? इतना टैक्स हम दे देते हैं, 20 लाख करोड़ पता है कितना धन होता है आप गिन नहीं सकते, साल भर तक अगर 1,000 के नोट आपको दे दिए जाएं सब मिला के 20 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते आप, फेल हो जाता है कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इसको लिखने में 16 अंक लगते हैं। 20 लिखना, उसके आगे 0 0 0 14 बार 0 लगाना पड़ता है, इतनी बड़ी रकम है। अगर इस रकम का सोना खरीद लें हम तो ये इतनी बड़ी रकम है कि मध्य प्रदेश के एक एक राज्य की सड़क को सोने से बना सकते हैं, इतनी बड़ी रकम है। अब इतनी रकम हमने दे दी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकारों को, फिर भी वो गरीबी भुखमरी बेकारी दूर नहीं कर पाते, तो कहां जा रही है ये रकम, हो क्या रहा है इसका? तब ध्यान में आता है कि अरे राजीव गांधी ने कहा था कि इस रकम का 85% तो घूसखोरी लूटखोरी में ही चला जाता है, और वो 84 में कहा था, हो सकता है 2009 में इस रकम का 90% घूसखोरी लूटखोरी और भ्रष्टाचार में चला जाता हो, 10% ही काम में आता हो। तो हमारे समझ में बात आ गई, वो ये आ गई कि इस पूरी की पूरी रकम का इस देश के नेता और अधिकारियों में बंदर बांट होता है घूसखोरी रिश्वतखोरी के नाम, और ये बंदर बांट करने वाले नेता और अधिकारी करोड़पति 10 करोड़पति अरबपति 10 अरबपति खरबपति 10 खरबपति होते ही जा रहे हैं। कुछ नेताओं के बारे में मैं केस स्टडी कर रहा हूं और पता यह चल रहा है कि आज से 15-20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी और आज उनमें से एक एक के पास 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ की संपत्ति है, एक एक के पास। कुछ नेताओं पर जब मैंने केस स्टडी की तो पता चला कि 12-13 साल पहले वो बंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक बेचते थे, मेथी बेचते थे, बथुआ बेचते थे, मराठी में इसको भाजीपाला कहते हैं, पत्ते वाली सब्जियां। और आज उन तीनों नेताओं की बंबई में 5 से 7 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी। एक नेता पर मैंने केस स्टडी किया तो पता चला 15-17 साल पहले उसकी जेब में इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो चाय खरीद के पी सके, आज उस नेता के पास बंबई से पूना तक की सारी जमीन उसने खरीद के रखी हुई, बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन, हजारों हेक्टेयर की जमीन एक नेता के कब्जे में। ऐसे ऐसे इस देश में हजारों हैं, एक दो नहीं। और जब नेता लूटेंगे तो अधिकारी पीछे कैसे हटेंगे? अधिकारियों ने भी लूटा है इस देश को। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक अधिकारी हुआ, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह, चीफ सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश की सरकार का, इससे ऊंचा कोई पद नहीं होता। आईएएस अधिकारियों के लिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, वहां आते आते सब रिटायर हो जाते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ। उसके घर में सीबीआई ने छापा मारा तो 400 करोड़ रुपए कैश मिले थे, 400 करोड़ एक अधिकारी के घर में। और सीबीआई वालों का कहना है कि ये तो उसके कुछ घरों में छापा पड़ा है, अभी कई घर तो पता ही नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी हैं ना, उनकी एक एसोसिएशन है,
उस एसोसिएशन ने उस अधिकारी को महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारी का नाम देके उसको घोषित किया, लेकिन तब किया जब सीबीआई का छापा पड़ा, उसके पहले नहीं, अपने नाम को बचाने के लिए। तब तक वो उसी के साथ चाय पीते थे, उसी से गपशप मारते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी अपनी जिंदगी में 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहे, 40 साल, हालांकि रह नहीं सकता, लेकिन 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहे और उसकी मैक्सिमम तनख्वाह उसको मिलती रहे और एक रुपया भी वो उसमें से खर्च ना करे, तो उसको कुल 90 लाख रुपए होना चाहिए। 400 करोड़ कहां से आया? ऐसे इस देश में हजारों अधिकारी, एक दो नहीं, हजारों हजार। तो नेता हैं, उनके साथ अधिकारी हैं, लूट में आकंठ डूबे हुए, दोनों हाथों से ऐसे लूट रहे हैं, कल्पना नहीं हो सकती आपको। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि थोड़े साल पहले हम ये सोच के परेशान होते थे, डाकू माधो सिंह, डाकू मोहर सिंह, डाकू जालिम सिंह, ये आते थे और घरों को लूट के ले जाते थे तो हम हाय तोबा करते थे। ये डाकू मोहर सिंह, माधो सिंह, जालिम सिंह तो मरे नहीं, वो तो सब जिंदा है, नाम बदल गए उनके, कोई नहीं मरा। मुझे तो कई बार लगता है कि माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश कर रही है और सड़क चलते नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधायिकाओं में बैठे। आपको मालूम है हमारी संसद में 300 से ज्यादा सांसद हैं जिनकी कम से कम इनकम 10 करोड़ से ऊपर है, 300 से ज्यादा सांसद इस देश की संसद में वर्तमान। ऐसी स्थिति इस देश में है। तो बात अब समझ में आ रही है, वो ये कि 62 साल की आजादी में हमने एक ही काम किया, गोरे अंग्रेजों को भगाया, काले अंग्रेजों को बिठाया। गोरे अंग्रेजों ने लूट कर पैसा लंदन में जमा किया, इन काले अंग्रेजों ने लूट लूट कर पैसा स्विस बैंकों में जमा किया। बस इतना ही अंतर है, और कोई बड़ा अंतर नहीं। हमारे नेताओं ने 62 साल खूब पैसा लूटा है, विकास के धन का भ्रष्टाचार में डुबोया पूरा पैसा, और यही कारण से उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ी है। एक साधारण एमएलए हो जाता है, साधारण एमपी हो जाता है, देखो क्या संपत्ति आती है, और एमएलए एमपी तो छोड़ दो, कॉरपोरेटर हो जाता है तो देखो कितनी संपत्ति आती है। ये सारी संपत्ति आती है आपके मेरे खून पसीने की कमाई के दिए गए टैक्स के पैसे को लूट कर, वहां से आती है ये संपत्ति। तो हमारे देश में ये जो प्रजातंत्र चल रहा है, माफ करिएगा, ये लूट तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। और हर 5 साल के बाद नाटक होता है इस देश में, मैं लूटूंगा या तू लूटेगा, तय कर ले भाई। एक पार्टी होती है सत्ता में जो लूट रही होती है 5 साल से, सामने वाली दूसरी तैयार बैठी है कि अब हमारा नंबर है, तुमने लूट लिया 5 साल, अब हमको दे दो ये गद्दी। और वो आपके सामने आते हैं उल्लू बनाने के लिए कि भाई वोट दे दो, विकास करेंगे। भाई 62 साल से तो किया नहीं, तुम क्या करोगे? फिर कहते हैं जी वोट दे दो, आपकी सेवा करेंगे। तो सेवा करने के लिए वोट ही क्यों लगता है? बिना वोट के भी सेवा होती है। तो वोट देकर वो सेवा का नाम जो लगाते हैं, वो उनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ताकि लूट में हिस्सा उनका बरकरार रहे। मुझे कई बार अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप किसी नेता को एक वोट दे देते हैं तो आप खुद उसको लूट का लाइसेंस दे देते हैं कि जा 5 साल के लिए तेरी मौज, जो लूट सके तू लूट। और 5 साल आपके पास कोई ताकत नहीं है उसको वापस बुलाने की, तो जितना मन में आता है वो लूटता है। और उसे मालूम है कि दोबारा चुन के आया नहीं आया तो एक बार में सब घर भर लो। तो अभी तो इनकी संपत्ति की जांच अगर आप करा दें हिंदुस्तान के नेताओं और अधिकारियों की, तो आंखें फट जाएंगी आपकी। मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं, एक व्यक्ति इस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड़ रुपए, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति।
स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड़ रुपए। कल्पना कर सकते हैं एक व्यक्ति। तो 62 साल आजादी के जो कुछ इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर हुआ है, उसने लूटा है लोगों के पैसे को, धन को, संपत्ति को, और लूट लूट कर विदेशी बैंकों में सुरक्षित रखा है, क्योंकि हमारी बैंकों में वो रख नहीं सकते, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स की या CBI की रेड पड़ सकती है, तो ले जाकर वो खाता खोलते हैं स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड दुनिया का अकेला एक देश है जहां पर कितने भी लूट का पैसा जमा करो वो पूछते नहीं कि कहां से लाए, कितना भी जमा करो कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उस पैसे पे उनको ब्याज तो देना नहीं, तो पूछने का क्या, ब्याज देना होता तो पूछते, वो ब्याज देते नहीं, कितना भी उनके यहां जमा करो वो ब्याज नहीं देते, उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं। तो जो जमा करता है ना वो बैंक को ब्याज भरता है, बैंक नहीं देता कुछ, और बदले में बस इतना ही है कि वो गुप्त रखते हैं, आपका नाम नहीं बताएंगे, बस इतना ही है। तो नेता सब ले जा के लूट का पैसा वहां भरते हैं। अब ये जो पैसा वहां रखा हुआ है, इसके बारे में जब हमने काफी खोजबीन की, आसानी से तो ये पता नहीं चलता क्योंकि सीक्रेसी के कानून है, फिर भी पता चल गया कि नेताओं ने पिछले 62 साल में लूट लूट कर स्विस बैंकों में 72,80,000 करोड़ जमा करके रखा हुआ है। और स्विट्जरलैंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया के, वहां पर करीब 35,00,000 करोड़ रखा हुआ है। कुल मिलाकर 110,00,000 करोड़ रुपया इस देश के खून पसीने की कमाई का विकास के लिए जो खर्च होना चाहिए था वो लूट कर विदेशी बैंकों में पहुंच गया है। इससे हमें पता चलता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये जो धन गया लूटने के बाद, ये विदेशी बैंकों में जमा हो गया, अब अफसोस की बात क्या है कि इस पूरे धन पर हमको तो कुछ फायदा नहीं है, देश को, जहां जमा है वो इस पैसे को घुमा रहे हैं। स्विस बैंकों में जो पैसा जमा कर दिया अपने नेताओं ने या अधिकारियों ने, स्विस बैंक वाले वो दुनिया भर को कर्जे में दे रहे हैं, कर्जे का ब्याज ले रहे हैं, ब्याज मजे से खा रहे हैं, और जिन्होंने जमा किया उनसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं। कितने होशियार लोग। एक बार इस देश में स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट आए थे, दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूछा नहीं किसी ने उनसे, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को गरीबी का रोना नहीं रोना चाहिए, और भारत जैसे देश को दुनिया में किसी के सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो पत्रकारों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा आपके लोगों का इतना पैसा हमारे यहां रखा है, और उसी को आप वापस मंगा लो तो आपको तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो पहली बार पता चला जब स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट ने दिल्ली में आकर यह कहा, तब पता चला। फिर हमारे जैसे लोग लग गए इस खबर के पीछे, तो धीरे धीरे सब बात खुली, और ये बात खुली तो इसमें कई तरीके से हमने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन कैसे किया, जिन नेताओं ने वहां खाते जमा किए हैं, जिन अधिकारियों ने पैसे जमा किए हैं वो कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, पता कैसे किया जाए, क्योंकि स्विट्जरलैंड नाम बताने को तैयार नहीं। वो ये कहता है कि भारत सरकार अगर हमसे संधि करे तो हम नाम बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, तो हमें पता करना है। तो हमने फिर दूसरा रास्ता अपनाया। रास्ता क्या अपनाया, हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि हिंदुस्तान से स्विट्जरलैंड कौन कौन जाता है, ये पता लगाओ, क्योंकि स्विट्जरलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट से ही जाना पड़ता है, हवाई जहाज इस्तेमाल करना पड़ता है, पानी के जहाज से जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं, हवाई जहाज ही एक रास्ता है। और एयरपोर्ट इस देश में कितने हैं वो पक्के हैं, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, जहां से स्विट्जरलैंड की फ्लाइट छूटती है, उन एयरपोर्ट से कौन कौन जाता है उसकी सूची निकलवाई हमने। फिर उसमें से छांटना शुरू किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो यात्रा करने के लिए, आनंद लेने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं, कितने ऐसे लोग जो स्विट्जरलैंड का सौंदर्य देखने के लिए जाते हैं। तो जब सूची में छांटना शुरू किया तो बहुत थोड़े से हैं,
क्योंकि जो भी स्विट्जरलैंड गया है देखने के लिए, उनका यह कहना है कि एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो ये कहते हैं उससे सुंदर तो अपना पंचमढ़ी है, उससे सुंदर तो जम्मू कश्मीर है, उससे सुंदर तो उत्तराखंड है, उससे सुंदर तो हमारे देश का बहुत सारा इलाका है। और वो ये कहते हैं कि 2 घंटे की कार चलाओ देश खत्म हो जाता है, दूसरे देश में घुस जाओ, इतना छोटा सा है, ज्यादा देर घूम भी नहीं सकते, हर 2-3 घंटे की ड्राइव में देश की सीमा खत्म हो जाती है। तो पता चला कि जो यात्रा करने के लिए जाते हैं वो 8-10% हैं, वो बार बार नहीं जाते। फिर ये बार बार जाने वाले कौन है? हर महीने जाते हैं, महीने में 2 बार जाते हैं, कोई तो हफ्ते में 1-2 बार चले जाते हैं, कोई 2-3 महीने में जाते हैं। इनकी सूची बनाई तो पता चला वो 80,000 लोग हैं जो बार बार स्विट्जरलैंड जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, कभी कभी तो 1 महीने में 4 बार चले जाते हैं। और उस सूची में ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कि जब खुलेगा तो आपकी आत्मा हिल जाएगी अंदर से। आप कहेंगे अरे इनको तो हम बड़ा पवित्र मानते थे, अच्छा मानते थे, ये भी स्विट्जरलैंड जाते हैं। ऐसे ऐसे नाम। आपको एक बात बताता हूं कि जब हमारे यहां कोई सरकार गिरती है ना और नई सरकार आती है तब सबसे ज्यादा जाते हैं उसी दौर में, क्योंकि नई सरकार बनानी है तो रकम चाहिए कि नहीं चाहिए? एमपी को खरीदना है, एमएलए को खरीदना है, तो रकम कहां से आएगी? वहीं से निकाल के लाते हैं। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो गए स्विट्जरलैंड अपनी रकम निकालने के लिए। कुछ नेता ऐसे भी हुए हैं, नाम नहीं लेता उनका, 2 नेता बड़े प्रमुख इस देश में हुए हैं जिनके जॉइंट अकाउंट थे स्विट्जरलैंड, दोनों ने मिलके खोला। अब परिणाम क्या हुआ कि एक नेता ने दूसरे को बिना बताए सब निकाल लिया, बताया नहीं निकाल लिया, और उस एक नेता ने अपने नाम से किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरा नेता जब मुख्यमंत्री के पद से उतरा तब उसको याद आई कि मेरा तो खाता भी है, तो गया तो पता चला रकम तो गायब। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? बैंक की लिफ्ट में ही हार्ट अटैक आया और वो मर गया वहां पे। उसकी लाश यहां पे आई थी और वो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था इस देश में। ऐसे भी किस्से कि 2 नेताओं ने ज्वाइंट अकाउंट खोले, एक ने सब निकाल लिया, पता ही नहीं चला। तो ये सब घोटालेबाजी घपलेबाजी करने वाले हमारे नेता और उनके साथ अधिकारी, इन्होंने 62 साल देश के विकास का लूट लूट कर सारा पैसा वहां रख दिया। वो रकम अब 72,80,000 करोड़ हो गई। 80,000 अकाउंट का तो पता चल चुका है, हो सकता है 10-20,000 और निकले, क्योंकि ये सूची अभी खत्म नहीं हुई है। आप बोलेंगे जी बताओगे कब? थोड़े दिन बाद बताएंगे, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं? हमारी कोशिश ये है कि पहले ये सारा धन वापस आ जाए, फिर इनका नाम उजागर हो, हमारी कोशिश ये है। इसलिए हम बताएंगे तो सही थोड़े दिन के बाद। अब वो थोड़े दिन साल भर हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 2.5 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, हमारी कोशिश यह है कि सुप्रीम कोर्ट बताए इसको, हम क्यों बताएं? संसद बताए इसको, हम क्यों बताएं? हम संसद को मदद करेंगे कि देखो ये सूची है, आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो। सरकार को देने को हम तैयार हैं, सरकार जिस दिन मांगेगी दे देंगे। सरकार घोषणा करे ना ये लोग हैं, संसद घोषणा करे, सुप्रीम कोर्ट कहे ये लोग हैं। हम तो जब कोई नहीं कहेगा तब कहेंगे ये लोग हैं। तब तक हम कोशिश करेंगे कि इन सबको सुधरने का मौका दें और ये ईमानदारी से अपने पैसे वहां से निकालकर भारत में वापस लाएं। इसी काम के लिए भारत
इसी काम के लिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है। ये हमारे अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य है जिसके लिए ये बना है। आपने स्वामी रामदेव जी का व्याख्यान सुना हो तो बार बार वो कहते हैं भ्रष्टाचार की समाप्ति आर्थिक और राजनैतिक हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, और भ्रष्टाचार के लिए जो लूट हुई है 62 साल, ये लूट का लाभ देश को वापस मिले जिससे देश वंचित हो गया। आप बोलेंगे ये कैसे होगा, क्या ये पैसा वापस आएगा, क्या देश को फिर मिल पाएगा, क्या इससे देश का विकास हो सकता है? आएगा, अगर आप चाहेंगे तो। हमने चाहा है और आपको बताया है, अब आप भी चाह लेंगे तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? हमारे देश की संसद के पास इस पैसे को वापस लाने की ताकत है, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस पैसे को वापस लाने की ताकत है। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं, आपको याद है एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ था, मालूम है 133 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट हुआ, यूरिया का एक दाना भी देश में नहीं आया। यह था यूरिया घोटाला, पैसे दे दिए, यूरिया नहीं आया, पेमेंट हो गया, यूरिया नहीं आया। जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला है, और वो 133 करोड़ का जो पेमेंट हुआ वो स्विट्जरलैंड की बैंक में जाके जमा हो गया। हां, तब दिल्ली के हाई कोर्ट में और बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर हुई, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस, और उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि यूरिया के पेमेंट में जो पैसा गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो या तो यूरिया आना चाहिए या पैसा वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के 15 दिन के अंदर 133 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड से भारत में वापस आ गया। हमारा यह कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो सभी घोटालों का पैसा आ सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट यूरिया घोटाले के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है तो आजादी के 62 साल में जितने घोटाले हुए हैं सभी के धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। तो इसको वापस लाने का एक उपाय है कि यह धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाए। आप बोलेंगे इसमें मामला क्या है? मामला सीधा सा यह है कि अंतरराष्ट्रीय कुछ कानून है, उनमें से एक ये है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय धन दूसरे देश में जमा नहीं हो सकता, ये अंतरराष्ट्रीय नियम है, सब देश इसका पालन करते हैं। हर देश का राष्ट्रीय धन उसी देश की बैंकों में जमा हो सकता है, भारत का राष्ट्रीय धन भारत की बैंकों में जमा होगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान की बैंकों में, ये नहीं हो सकता कि भारत का धन राष्ट्र का स्विट्जरलैंड में जमा हो जाए। तो इसका हमें लाभ उठाना है। हमें क्या करना है? या तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें भारत स्वाभिमान की तरफ से, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कि ये 72,80,000 करोड़ जो गया 62 साल में ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, और कोर्ट में हम आसानी से इसे सिद्ध कर देंगे, इसमें देर नहीं लगेगी। क्यों? हम तो नेताओं की जन्म कुंडली कोर्ट के सामने रखेंगे कि देखो 15 साल पहले इनके पास क्या था अब क्या है, 10 साल पहले क्या था अब क्या है, 20 साल पहले क्या था अब क्या है, पूछ लो इनको बुला बुला के, और जो सही जवाब ना दें तो सबका नार्को टेस्ट करवा लो, उसमें तुम बताएंगे। आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूं, आपने एक नाम सुना अब्दुल करीम तेलगी, वो एक आदमी ने 36,000 करोड़ का घोटाला किया, 36,000 स्टाम्प घोटाला, उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसने 19 नेताओं के नाम बताए, 19, और उसमें से 3 तो ऐसे हैं जो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री, इस समय 3 नाम तो ऐसे, और 11 नाम ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार में मंत्री, 3 केंद्र सरकार में मंत्री और बाकी दूसरे नेता हैं।
तो अब्दुल करीम तेलगी ने सबके नाम बता दिए। अब सरकार की हालत खराब ये हो रही है कि उनको उजागर कैसे करें, क्योंकि सरकार उनके समर्थन से चल रही। अब सरकार इंतजार कर रही है कि अब्दुल करीम तेलगी मर जाए। हां, सरकार ही प्रार्थना कर रही है कि ये मर जाए और मामला रफा दफा हो जाए, जिनके नाम है वो वहीं दबे रह जाएं, वो उजागर ना होने पाए। ये है स्थिति। तो मतलब कहने का ये है कि कोई अब्दुल करीम तेलगी 36,000 करोड़ का घोटाला तब कर पाता है जब उसको 19 नेताओं का समर्थन और सहयोग मिलता है। मतलब सीधी सी बात है कि इस देश में चोरी और डकैती करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के बाद ही वो करते हैं, ऐसे ही नहीं होता है। तो हम तो अब्दुल करीम तेलगी जैसे लोगों का नार्को टेस्ट करवा लेंगे तो सबके नाम निकल आएंगे, या इनका ही करवा देंगे तो सबके नाम निकल आएंगे। नाम निकालना कोई महत्व की बात नहीं है, महत्व की बात यह है कि इन्होंने जो लूटा हुआ धन है वो वापस आना चाहिए। वो देश का धन है, राष्ट्र का धन है, देश के हित में काम उसको होना चाहिए। तो इसके लिए एक रास्ता तो हमने अपना, हर साल 18-20 हज़ार करोड़ का नुकसान करते हैं, फिर हम माइका बेचते हैं उसमें भी यही नुकसान होता है। हम बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से चूना पत्थर बेचते हैं। चूना पत्थर आप समझते हैं, कैल्शियम जिससे चूना बनाते हैं, दुनिया के देश हमसे खरीदते हैं क्योंकि उससे सीमेंट बनता है, उसमें भी यही नुकसान होता है। गेहूं बेचते हैं तो यही नुकसान होता है, बासमती चावल बेचते हैं तो यही नुकसान हमको होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बासमती चावल आप बाजार में खरीदें तो आपको 50 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। यही बासमती चावल रुपए का अवमूल्यन होने के कारण 2 रुपये किलो में चला जाता है अमेरिका, यही बासमती चावल। चीनी हम बनाते हैं इस देश में, दो तरह की चीनी बनती है, एक तो छोटे दाने की और एक बड़े क्यूब वाली जो चीनी होती है ना, बहुत महंगी होती है, 35-40 रुपये किलो की, लेकिन अवमूल्यन के कारण 6-7 रुपये किलो में ही बेचनी पड़ती है। हर साल हम जो निर्यात करते हैं ना उसमें लाखों करोड़ों रुपए का घाटा होता है। हमारा एक साल का निर्यात करीब 5,00,000 करोड़ रुपए का है इस समय। अगर रुपया और डॉलर बराबर हो तो यही निर्यात 250,00,000 करोड़ का होता है एक साल। इतना नुकसान हम उठा रहे, तो ये नुकसान अब हम ज्यादा दिन नहीं उठाना चाहते। हम चाहते हैं कि रुपया और डॉलर बराबर हो जाए। रुपया और डॉलर कब बराबर होगा? जब हमने लिया हुआ विदेशी कर्ज चुका दिया। जिस दिन हम विदेशी कर्ज चुकाएंगे रुपया डॉलर बराबर हो जाएगा। रुपया डॉलर बराबर होते ही निर्यात की आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी और आयात का खर्चा 50 गुना घट जाएगा, और दोनों मिला दें तो ये देश तो 2-3 साल में ही सोने की चिड़िया हो जाएगा। चीन तो हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा, इतना आगे हम निकल जाएंगे। आज दुनिया में ये कहा जाता है चीन सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है, अमेरिका भी चीन से अब पीछे रह गया है, हम चीन के आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा, डेफिसिट नहीं होगा। और कुछ बात बताता हूं, अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा? जो चीजें आप बाजार से खरीद रहे हैं सब सस्ती हो जाएंगी। जो डीजल आप इस समय खरीदते हैं 35 रुपये लीटर, ये हो जाएगा 10-12 रुपये लीटर। जो पेट्रोल आप खरीदते हैं 50 रुपये लीटर, ये हो जाएगा 17-18 रुपये लीटर। जो रसोई गैस का सिलेंडर आप लेते हैं 350 रुपये का, ये हो जाएगा 45 रुपये का। जिस लड़के या लड़की को इंजीनियरिंग पढ़ाने में आपका 2.5-3 लाख खर्च होता है वो 25,000 में ही इंजीनियरिंग पढ़ लेगा। जिसको मेडिकल के एग्जामिनेशन से लेके डॉक्टर बनाने तक 5-7 लाख खर्च होता है वो मुश्किल से 50,000 के खर्चे में हो जाएगा। आप अगर दिल्ली से न्यूयॉर्क जाएं और न्यूयॉर्क से वापस दिल्ली आएं, मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये में आपका किराया हो जाएगा, जो इस समय 90,000 तक खर्च होता है। सारी कीमतें गिरेंगी क्योंकि रुपए की कीमत बढ़ेगी, डॉलर की कीमत गिरेगी, और भारत की जो संपत्ति है अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 गुनी ज्यादा हो जाएगी। इसी कीमत पर आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी हमारी, सब चीजों में बढ़ोतरी होगी अगर रुपया और डॉलर बराबर हो। और ये तब बराबर होगा
जब हम कर्ज वापस करें। कर्ज वापस तब करेंगे जब 18 लाख करोड़ हमारी जेब में हो। ये आएगा कहाँ से? ये स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के बाद ही आएगा। तो एक तो उस पैसे से कर्ज चुकाना है, दूसरा गांव का विकास करना है। गांव का विकास करने में 50 लाख करोड़ चाहिए, कर्ज देने में कम से कम हमको 18 लाख करोड़ चाहिए, तो करीब करीब आप समझ लो 68 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा। फिर भी हमारे पास करीब करीब 60 लाख करोड़ बचेगा, और उस 60 लाख करोड़ को अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रख दें, भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दें, और 10% का ब्याज उस पर मिलता रहे, तो साल का ब्याज करीब 6.5-6.75 लाख करोड़ का होगा। माने पूरा बजट हम बना सकेंगे बिना एक पैसा किसी पर टैक्स लगाए हुए, पूरी अर्थव्यवस्था को टैक्स फ्री कर सकते हैं। टैक्स सब हटा सकते हैं, इनकम टैक्स हटा सकते हैं, कॉरपोरेट टैक्स हटा सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज हटा सकते हैं, सारे टैक्स खत्म कर सकते हैं। और टैक्स खत्म होते ही हर चीज 70% सस्ती हो जाएगी। जो पेन आपको अभी 10 रुपए का मिलता है ये 3 रुपए का हो जाए, जो घड़ी आपकी 300 रुपए की है ये 100 रुपए की हो जाए। हर चीज 60-70% सस्ती होगी टैक्स हटते ही। तो देश चलाने का खर्चा कहां से आएगा? टैक्स नहीं लगाएंगे तो हमने बता दिया, स्विस बैंक के बचे हुए पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख दो, साल के ब्याज से ही देश चल जाएगा। और दूसरा एक रास्ता है अपने पास कि सब टैक्स खत्म कर दो, एक टैक्स लगाओ सिर्फ, ट्रांजेक्शन टैक्स, और वो भी टोटल ट्रांजैक्शन का 2% सिर्फ। हमारे देश में बैंक में लेन देन होता है साल में, महीने में और हर दिन, चेक और ड्राफ्ट के द्वारा जो लेन देन है वो 1,25,000 करोड़ हर एक दिन का है। साल का लेन देन 400 लाख करोड़ का है, और कैश का लेन देन इसमें जोड़ दें तो वो चेक और ड्राफ्ट से ज्यादा। आपको मालूम है हम कैश में ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं चेक और ड्राफ्ट की तुलना। सारे काम हम कैश में करते हैं, सब्जी कैश में खरीदते हैं, अपने घर की नौकरानी को कैश में पैसा देते हैं, कोई चेक से नहीं देता, कोई ड्राफ्ट से देता है, नौकरों को नौकरानियों को सब कैश में देते हैं, सब्जी खरीदते हैं, दुकान पे जाते हैं, सब कैश में करते हैं। माने चेक से ज्यादा हमारा कैश का व्यवहार है। तो कैश के व्यवहार को या तो चेक में ले आओ या सारे व्यवहार को ओपन कर दो, वाइट कर दो। और ये वाइट कब हो जाएगा? आप इनकम टैक्स हटा दो, ये सारा व्यवहार अपने आप ओपन हो जाएगा, सब वाइट हो जाएगा। ये छुपाना तब पड़ता है जब इनकम टैक्स का डर रहता है। आप इनकम टैक्स हटा दो, डर खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स इसलिए भी हटाना जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ टैक्स है, वो हमारा नहीं है। 1860 में अंग्रेजों ने यह टैक्स लाया था, और अंग्रेजों की योजना यह थी कि भारतवासियों से लूट लूट कर पैसा लंदन लेके जाना, इसलिए यह टैक्स उन्होंने लगाया था। अंग्रेजों ने टैक्स पता है कैसे लगाए थे? वो ये कहते थे कि भारत का आदमी कोई भी चीज का उत्पादन करे तो उसके उत्पादन पे ही टैक्स लगा दो, एक्साइज ड्यूटी। फिर उस उत्पादन को वो बेचने के लिए बाजार में जाए तो बेचने पे टैक्स लगा दो, सेल्स टैक्स। फिर बेचकर मुनाफा कमाए तो उसके मुनाफे पे टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स। फिर उस सामान को एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाए तो दोनों गांवों में टैक्स लगा दो, एक में एंट्री टैक्स, एक में एग्जिट टैक्स। फिर अंग्रेजों की सड़क पर से लेके जाए तो वहां टैक्स लगा दो, टोल टैक्स। फिर ऑक्ट्रॉय लगा दो। ऐसे करके बीसियों टैक्स उन्होंने प्लान किए। आजादी के 62 साल के बाद ये टैक्स क्यों चलने चाहिए? क्योंकि अंग्रेजों ने तो लूटने के लिए लगाए थे, तो हम खत्म करना चाहते हैं। सारे टैक्स खत्म कर दो, हिंदुस्तान का हर आदमी ईमानदार हो जाएगा, क्योंकि बेईमानी इस देश के लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट ने सिखाई है। इस देश का आदमी बेईमान नहीं है, ये तो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स के डिपार्टमेंट्स हैं और कानून हैं जो बेईमान बनाते हैं इस देश के लोगों को। आपने 100 रुपया कमाया, उसमें से 35 रुपए इनकम टैक्स में दे दिया तो 65 रुपए आपका वाइट है, नहीं दिया तो 100 रुपए ब्लैक है। रुपया तो रुपया है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये तो कानून गलत है जो कुछ पैसे को व्हाइट कहता है, कुछ को ब्लैक कहता है। और इस कानून का दुष्चक्र पता है कितना खतरनाक हो गया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में जो कुल उत्पादन होता है, जिसको जीडीपी कहते हैं, जो 48 लाख करोड़ का है, उसका 70% हिस्सा ब्लैक इकोनॉमी में चलता है। 36 लाख करोड़ रुपए ब्लैक में चलता है, इस देश में घूमता है।
और लोग ब्लैक में ट्रांजैक्शन कर क्यों रहे हैं? इनकम टैक्स के डर के कारण। लोगों ने पैसा छुपा के क्यों रखा हुआ है? इनकम टैक्स के डर के कारण। हटा दो इनकम टैक्स, लोगों ने जितना पैसा छुपा के रखा हुआ है सब बाजार में आ जाएगा और सारा ट्रांजैक्शन वाइट में हो जाएगा। हर आदमी ईमानदार है और ईमानदारी से जीना चाहता है, टैक्स डिपार्टमेंट उसको ईमानदार नहीं रहने देता। हम चाहते हैं ये इनकम टैक्स खत्म हो जाए, सेंट्रल एक्साइज सब खत्म हो, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है इस पर 2% टैक्स लगा दो तो साल का एक कट्ठा होता है रुपया 18,20,000 करोड़, जो इस समय के कलेक्शन से 3 गुना ज्यादा है। सारे टैक्स हम खत्म कर दें और 18,20,000 करोड़ हमें मिले तो हम तो बजट 18,20,000 करोड़ का बनाएंगे, अभी तो 10,00,000 करोड़ का बनता, बिना किसी से भीख मांगे हुए, बिना किसी से दान मांगे हुए अपने पैरों पर इस देश को खड़ा करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। और जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है। हमें एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है, इसीलिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है और इस स्वाभिमानी भारत के निर्माण का ये रास्ता है। अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें, आप इसमें हमारी मदद करो तभी ये होगा, आपकी मदद के बिना नहीं होगा। हम अगर अकेले कर लेते इस काम को तो मैं हरिद्वार से 2000 किलोमीटर चल के आपके बीच में नहीं आता, अकेला अगर कर लेता मैं इस काम को, या स्वामी रामदेव जी कर लेते अकेले तो मैं नहीं आता, क्या जरूरत है? हम अकेले नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी काम करवाना हो तो बहुमत चाहिए, हमको इस काम के लिए बहुमत चाहिए। तो आप हमारा बहुमत बने, कैसे? हमारी ताकत बने। ताकत आप हमारी कैसे बनेंगे? हमारे इस अभियान में आप जुड़ जाएं। जुड़ने का रास्ता क्या है? बहुत सरल है, इस अभियान में सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म है वो भर दें। यहाँ की जो स्थानीय समिति है ना होशंगाबाद की, पतंजलि योग समिति, ये आपको फॉर्म दे देगी। भारत स्वाभिमान समिति से फॉर्म ले लीजिए, ये अजय भाई और ये सब लोग यहीं के संचालक हैं, इनसे फॉर्म ले लीजिए, भर के इनको दे दीजिए। उसमें कुछ मेंबरशिप फीस है, साधारण सदस्य बनना है तो 51 रुपये देना है बस, और असाधारण बनना है तो 1100 रुपये देना है। तो मेंबरशिप आप कर दीजिए तो हमें थोड़े फंड्स मिल जाएंगे काम करने के लिए और आप हमसे जुड़ जाएं। हमारी शक्ति जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ये सब काम हम आसानी से करा लेंगे। क्यों? संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति ही बड़ी होती है। सतयुग जब होता हो तब राजा की शक्ति बड़ी होती थी, अब कलयुग में संगठन की शक्ति बड़ी है तो हमें संगठन की शक्ति खड़ी करनी है। हमें 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ लोग ऐसे जमा करने हैं। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं, सबके पास, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, CPM, CPI, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 48 पार्टियों के पास 4 करोड़ मेंबर हैं। हमारी कोशिश है कि 5 करोड़ हमारे पास हो जाएं, वो 48 एक तरफ हो जाएं तो भी हमारी लाइन उनसे बड़ी है। और जिस दिन 5 करोड़ हो जाएंगे तब इनकी नाक में हम नकेल डाल देंगे। ये सब वही करेंगे जो हम कहेंगे, कुछ और कर ही नहीं सकते। हम डिक्टेशन देंगे और ये नियम बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे। ऐसी स्थिति हम इस देश में लाना चाहते हैं। सरकार किसी की भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी की या कांग्रेस की, हम बताएंगे ये कानून बनाओ तो वो बनाएंगे, हम कहेंगे ऐसी नीति चलाओ तो वो चलाएंगे, नहीं चलाएंगे कान पकड़ के उतारेंगे, दूसरे को बिठाएंगे, हम नहीं बैठेंगे वहां जाकर। भारत स्वाभिमान का स्पष्ट कहना है कि हमें सत्ता और सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दूसरा भी स्पष्ट कहना है कि सत्ता और सिंहासन पर बैठे हुए लोग अगर इसी मद में चूर रहें, लूटते रहें, घोटाले करते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें तो 1 मिनट उनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे हम, वो अब खबरदार हो जाएं और सावधान हो जाएं।
इसी के लिए ये सारा अभियान है। तो आप हमारे संगठन से जुड़िए, थोड़ी हमारी ताकत बड़ी होगी और इस ताकत की ताकत पर या इसके दम पर ये काम हमें करना है पूरे देश में। और एक छोटी सी अपील कहकर मैं खत्म करता हूं मेरी बात को, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक काम करें, उससे भी देश को थोड़ा फायदा हो जाए तो अच्छा है। ये तो हम सार्वजनिक जीवन में जो करेंगे वो बात मैंने कही, आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा चेंज करें इस देश के फायदे के लिए। क्या बदलाव करें आप पूछेंगे, तो सीधी सी बात है, कर्ज बहुत है देश पे। अब जब ज्यादा कर्ज हो जाता है किसी देश पे तो क्या करना चाहिए, इसको ऐसे सोचने की कोशिश करिए, हमारे घर पर बहुत कर्ज हो गया अब हम क्या करें। तो हम दो ही काम करेंगे, या तो घर के खर्चे घटाएंगे या घर की आमदनी बढ़ाएंगे, दो ही काम करेंगे ना। घर के ऊपर अगर कर्ज बढ़ता है तो घर के खर्चे घटाते हैं और आमदनी बढ़ाते हैं। तो देश हमारा बड़ा घर है, इसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है तो देश के खर्चे घटाइए और देश की आमदनी बढ़ाइए। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है। तो आप बोलेंगे इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव करिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। देश का खर्चा घटाना माने एक एक देश का नागरिक उसका खर्चा घटाना। तो कहां से खर्चा घटेगा, तो आप अपनी जिंदगी को सवेरे से शाम तक देखिए, आप क्या क्या फालतू खर्चा ऐसा कर रहे हैं जिसको बचाया जा सकता है, फालतू खर्चा क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं क्या क्या फालतू खर्चा आप कर रहे हैं जिसके बिना आपका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है, ना खर्च करें वो पैसा तो भी जीवन चल सकता है। सबसे बड़ा फालतू खर्चा ये जो देश कर रहा है चाय पीने में, सवेरे से लेकर शाम तक हम जितनी चाय पी जाते हैं एक साल में वो 70 करोड़ किलोग्राम होती है, और एक किलो चाय 150 रुपए की आती है, तो 70 करोड़ किलोग्राम चाय को गुणा करेंगे तो 90,000 करोड़ से ऊपर का बिल बैठता है चाय पीने का इस देश का। ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में, उठते ही चाय। हाँ, कुछ भी काम बाद में करेंगे चाय पहले पिएंगे, संडास और टट्टी भी बाद में जाएंगे चाय पहले पिएंगे, कहते हैं टट्टी उतरती नहीं बिना चाय पिए, उठते ही चाय पीते और सोते चाय। और सरकारी अब दफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जब कभी चले जाओ, कहां गया भाई आदमी चाय पीने गया, कहां गया चाय पीने गया, सारे रिश्वत के काम चाय के नाम पर, सारे घूसखोरी के काम चाय के नाम पर, चाय पीने चलो दे दो पैसे। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्मचारी कहेगा जी चाय पीने चलो, समझ लो पैसे मांग रहा है। तो खर्चा पानी सब चाय के नाम पर, ये चाय बंद करो। और ये चाय इसलिए बंद करो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेजों की लाई हुई है। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं चाय पीने की। चाय तो गर्म देश के, सॉरी ठंडे देश के लोगों को पीने की चीज है, क्योंकि गर्मी लाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। और ठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं, हम तो गर्म देश वाले हैं, हम क्यों पिए। हम तो दूध पिए, दही पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, मट्ठा पिए, नींबू की शिकंजी पिए, नारियल का पानी पिए, संतरे का रस पिए, मौसमी का रस पिए। अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीजें हैं, हमको क्यों पीना चाहिए। आयुर्वेद में चाय निषिद्ध है आपको मालूम, और आप इसे बार बार पीते हैं तो बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि पेट की एसिडिटी बढ़ाती है, अम्लता बढ़ाती है। चाय में केमिकल जितने भी हैं वो सब एसिडिक हैं, और पेट की अम्लता बढ़ेगी तो खून की अम्लता बढ़ेगी, रक्त की एसिडिटी बढ़ेगी तो रक्त में फिर 80 तरह के रोग पैदा होंगे, और उन रोगों से लड़ने के लिए फिर आपको और 1,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। तो चाय पियो, उसमें 70,000-90,000 करोड़ खर्चों, फिर चाय से जो रोग पैदा हो उसमें और 1,000 करोड़ खर्चों, क्यों फालतू खर्च कर रहे हैं, बंद कर दो, जरूरत नहीं है इसको पीने की। और ये नशा है, रोज पियो फिर एक दिन ना पियो तो सिर में दर्द होता है, नशा है बिल्कुल, ये शराब की तरह का, बंद करो इसको। आप मत पियो, किसी मेहमान को भी मत पिलाओ। हाँ, जो आप नहीं करो तो मेहमान को क्यों करवाना। तो फिर आप बोलोगे फिर क्या करें, विकल्प मैं बताता हूं, दूध पियो। मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 90,000 करोड़ की जो हम चाय पी रहे हैं, इतने ही करोड़ का दूध पी लें 90,000 करोड़ का, तो देश की तो दशा ही बदल जाएगी।
90,000 करोड़ का दूध पिएंगे तो 20 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी, तब इतना दूध आएगा। और जो 20 करोड़ गाय पालनी पड़े तो गाय का कत्ल आज और अभी से बंद कराना पड़ेगा, तभी 20 करोड़ गाय बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो कत्ल होने के लिए जो गाय जा रही है ये रुक जाएगी, और ये जो गाय 20 करोड़ हो गई, हर गाय साल में कम से कम एक बछड़ा या एक बछिया देती है, तो कितने बैल हो जाएंगे, और इतने बैल हो गए तो खेती के काम आएंगे, तो ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, डीजल का खर्चा पूरी तरह से बंद हो जाएगा किसानों का। और जो बैल और गाय बढ़ गए तो गोबर बहुत हो जाएगा, और गोबर इतना हो जाएगा कि हर खेत में डालने के लिए मिल जाएगा, यूरिया खरीदना नहीं पड़ेगा, डीएपी डालना नहीं पड़ेगा। यूरिया डीएपी का 4,80,000 करोड़ का खर्चा बच जाएगा। और जो गाय बैल बहुत हो गए तो उनका मूत्र भी बहुत होगा, उस मूत्र को इकट्ठा करके छिड़कते रहें तो फसल पे कीड़े नहीं आएंगे, तो कीड़े मारने की जो दवाएं डालनी पड़ती हैं, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब बंद हो जाएंगी। इसका 2,00,000 करोड़ और बच जाएगा देश को। कितने फायदे हैं देखो आप, बस एक काम करो, चाय मत पियो, दूध पियो, दूध एक कप दूध पी लो। और आप दूध पियोगे तो पैसा किसी किसान के ही हाथ जाने वाला है, चाय पियोगे तो पैसा ब्रुकबॉन्ड कंपनी के हाथ जाएगा, लिप्टन के हाथ जाएगा, टी सिटी के हाथ जाएगा, गॉडफ्रे फिलिप्स के, ये सब विदेशी कंपनियां हैं, लूट के पैसा अपने देश में ले जाएंगी। हम वही ठनठन गोपाल, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी, अब ये लूटेंगे, तो बंद कर दो आप इसे, तो तुरंत बंद कर दो। फिर पीना क्या है, दूध पी लो। जिनको दूध अच्छा नहीं लगता वो नींबू की शिकंजी पी लें, नारियल का पानी पी लें, संतरे का रस पी लें, मौसम्बी का रस पी लें, और कुछ नहीं अच्छा लगता तो पानी को खूब गर्म करके चाय की तरह से पी लें, पानी ही पी लो चाय की तरह से, तुलसी की पत्ती डाल लो, अदरक डाल लो। परम पूजनीय स्वामी जी ने एक फॉर्मूले से एक दिव्य पेय बनाया, वो पी लो, चाय से अच्छा है वो, हृदय घात के रोगियों के लिए भी, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी, डायबिटिक लोगों सबके लिए अच्छा है। और उसका एक फायदा और है कि चाय पी के जो जहर इकट्ठा हो गया वो जहर को फ्लश आउट करके बाहर निकाल देता है दिव्य पे, तो वो ही पी लो। उसको पियोगे तो पैसा हमारे ट्रस्ट में आएगा, हमारा ट्रस्ट यही काम करने वाला है, कुछ और नहीं करने वाला है। तो आप तो बंद कर दो कल से, कोशिश करो, आपका जीवन बदलना शुरू होगा देश के लिए। हम बदल रहे हैं देश के लिए, यहां से शुरू करो। दूसरा एक बदलाव और हो जाए तो बहुत अच्छा है। फालतू का एकदम खर्चा हम करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और दारू का फालतू खर्चा, 20,000 करोड़ रुपए हम बर्बाद कर देते हैं। एक गुटके का पाउच है 4-5 रुपए का, मुश्किल से उसमें 10 ग्राम निकलता है, अब तो 5 ग्राम ही हो गया है, 10 ग्राम 8-9 रुपए का, माने 1,000 रुपए किलो का हम गुटका गटकते हैं। 200 रुपए किलो का काजू खा लो, 300 रुपए किलो का बादाम खा लो, 1,000 रुपए किलो का गुटका क्यों खा रहे हो? और गुटका खा के गाल गलेगा, कैंसर होगा, मरोगे आप सब। 20 लाख लोग मरते हैं हर साल इस देश में कैंसर से, गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के। बंद करो ये भी फालतू खर्चा, बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखा का, दारू का, शराब का, बंद करो ये खर्चा, बचाओ। फिर वो आप बोलोगे जी छूटता नहीं है, छोड़ने के तरीके मैं बता सकता हूं। गुटखा जो किसी का छुड़ाना हो तो उसकी सबसे अच्छी दवा है अदरक, अदरक है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उसमें नींबू का रस मिलाओ, थोड़ा नमक मिलाओ और धूप में सुखा लो, सुखा के जेब में भर के रखो, जब भी गुटखा खाने की तलब लगे अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखे चूसो, चूसते रहो, चबाना नहीं, गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी। बहुत सरल है, बहुत आसान। ऐसे बीड़ी सिगरेट छोड़ना है तो उसमें भी अदरक काम आता है, शराब छोड़नी है तो भी काम आता है। अदरक में है क्या, एक केमिकल है उसका नाम है सल्फर, ये व्यसन करने वालों के शरीर में सल्फर बहुत कम हो जाता है, तो इसकी तलब लगती है बाहर से पूर्ति करने के लिए, तो वो अदरक से पूर्ति कर लो। एक टूथपेस्ट 30 रुपए का 100 ग्राम आता है, 300 रुपए किलो। अब 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ते हैं
और थूकते हैं उसको। 200 रुपए किलो का घी रोटी पे लगा के खाते हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट वॉश बेसिन में थूक के चले जाते हैं, कहते हैं हम बड़े स्मार्ट। मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो। वो कहते हैं क्या करें। मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट इतना महंगा, इसको थूकते क्यों हो? रोटी पे लगा लगा के खा लो, क्योंकि घी से तो महंगा है। फालतू खर्चा पेस्ट का। हमारे देश में 20-25 साल पहले तक कोई नहीं करता था ये पेस्ट। ये टीवी के विज्ञापन में देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। ब्रश ले आते हैं, पेस्ट ले आते हैं। आपको मैं एक गहरी बात कहना चाहता हूं, वो ये अमेरिका और यूरोप के देशों में ये टूथपेस्ट जब बिकता है ना, तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाषा में। क्या लिखा रहता है? इट इज कार्सिनोजेनिक, माने कैंसरस। सभी टूथपेस्ट कैंसर करते। क्यों? टूथपेस्ट बनाने में केमिकल डाला जाता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसर करता है। और ये केमिकल डाले बिना पेस्ट नहीं बन सकता। टूथपेस्ट जब आप घिसते हो तो झाग बनता है ना, वो झाग बनाने वाला केमिकल यही है सोडियम लॉरेल सल्फेट। यही केमिकल होता है शेविंग क्रीम में, यही केमिकल होता है वॉशिंग पाउडर में, यही केमिकल है डिटर्जेंट पाउडर में, वही केमिकल है टूथपेस्ट में, वही केमिकल है शैम्पू में। सब में एक ही केमिकल है, सबकी क्वालिटी एक ही है। अब हम पढ़े लिखे लोगों को क्या लगता है, जो पेस्ट में झाग ज्यादा बने वो उतना ही अच्छा। तो शैम्पू से दांत साफ करो, फिर तो बहुत झाग बनता है उसमें। शेविंग क्रीम लगाओ दांतों में, खूब झाग देगी। ये झाग बनाने वाला केमिकल बहुत खराब है। अमेरिका में तो दांतों के डॉक्टर है ना, वो पेशेंट को जब समझाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, डोंट यूज टूथपेस्ट। वो कहते हैं यूज ओनली टूथब्रश। वो कहते हैं खाली ब्रश से दांत साफ कर लो, इस पे पेस्ट मत लगाओ, क्योंकि कैंसरस है। तो आप छोड़ दो इसको, कुछ अच्छा नहीं। और एक महत्व की बात है कि सब टूथपेस्ट, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिवाका, फॉरेंस, जितने भी हैं, ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं। हमारे देश में हजारों कत्ल खाने चलते हैं, 36,000 कत्ल खाने हैं इस देश में जो चलते हैं। उनमें 4.5 करोड़ जानवर कटते हैं हर साल, उनका मांस बाजार में बिकता, उनकी जो हड्डियां हैं वो पेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदते हैं, हड्डियों को सुखाकर पाउडर बनाते हैं, फिर उससे पेस्ट बनता है। और रोज सुबह हम दांतों पे घिसते हैं, धर्म का नाश करते हैं। बंद कर दो आप, अच्छा नहीं। तो आप बोलोगे क्या होगा, पैसे बचेंगे आपके, देश के पैसे बचेंगे। अब आप दांत कैसे साफ करेंगे? दांत साफ करो नीम के दातुन से, बबूल के दातुन से, करंज के दातुन से, पाकड़ के दातुन से, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं। हर गांव में दातुन मिलती है, गली गली मिलती है, आसानी से उपलब्ध है। तो वही आप करो। आप बोलोगे जी दातुन करेंगे तो पेड़ खत्म हो जाएंगे, उसका भी हिसाब बताता हूं। एक दातुन को 7 दिन करना तो पेड़ कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्यों? दातुन के लिए जो डंडी तोड़ते हैं ना, तो जितनी आप तोड़ते हैं 7 दिन में उतनी बड़ी फिर हो जाती है, वो मेंटेन रहता है वो साइकिल। तो एक दातुन तोड़ो, 7 दिन चलाओ। कैसे? दातुन को चबा लिया, आगे का हिस्सा चाकू से काट दिया, रात को पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर चबा लिया, 6-7 दिन तक चल जाएगा। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बड़ी गंदी बात है, एक ही दातुन को 7 दिन कैसे करें। तो आप ये बताओ, एक टूथब्रश को कितने दिन कर लेते हो? एक एक साल ब्रश रगड़ लेते हैं, तो दातुन 7 दिन करने में क्या बुराई? और दातुन तो फ्रेश है ना, क्योंकि आगे का काट दिया। दातुन आप करो। और दातुन करना है तो दो फायदे, एक तो दांत मजबूत, मसूड़े स्वस्थ, और फोकट में हो जाएगा सब काम, खर्चा बच गया। और मैंने एक दिन सोचा कि हम पेस्ट बंद ही कर दें और उतने ही पैसे में दातुन खरीदने लगे, और एक दातुन 50 पैसे का ही बिके मान लो, तो 35-40 लाख लोगों को तो रोजगार दातुन बेचने से ही मिल सकता है पूरे देश। आप कभी बंबई जाओ तो बंबई के सभी रेलवे स्टेशन पे दातुन मिलता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4, जो बंबई में मिल सकता है तो होशंगाबाद में भी मिल सकता है, रोजगार बढ़ा सकते हैं।
तो पेस्ट बंद करके, ब्रश बंद करके दातुन करें। दातुन कभी नहीं मिले, कोई मजबूरी हो जाए तो दंत मंजन कर लें। बहुत सारे दंत मंजन भारत में बनते हैं और दंत मंजन घर में बना सकते हैं। थोड़ा हल्दी ले लो, थोड़ा नमक ले लो, थोड़ा तेल ले लो, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिस लो, बहुत अच्छा है। खर्चे बचाने, और खर्चा कहाँ बचा सकते हैं? शेविंग क्रीम मत लगाओ, खर्चा बचेगा बहुत पूरे देश का। 50 करोड़ मर्द हैं जो शेविंग क्रीम में हजारों करोड़ खर्च करते हैं। या तो स्वामी रामदेव जी की तरह से दाढ़ी रख लो तो खर्चा बचेगा। दाढ़ी नहीं है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाओ, खर्चा बचेगा। आप बोलेंगे कैसे बनाएं, मैं आपको तरीका बताता हूं। थोड़ा दूध ले लो, दूध, कच्चा दूध, उसको चेहरे में लगाओ, चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, स्किन। फिर रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। मैं 10 साल से बनाता हूं और 4 फायदे हैं इसके। पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम, क्योंकि जब दूध लगाते हैं ना तो चिकनाई बढ़ जाती है, तो रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड का फायदा। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकल जाती है चेहरे की। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है। जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स है ना, वहां सब मिल्क क्लिंजिंग ही होता है, दूध से ही चेहरा साफ करते हैं। तो रोज दूध लगाएंगे, चेहरा साफ रहेगा, कील मुहां से नहीं निकलेंगे, चेहरा चमकेगा, आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का तरीका बता रहा हूं। दूध से दाढ़ी बनाओ। दूध ना मिले तो दही से बना लो, थोड़ा दही लगा लिया, रेजर चला लिया, नहीं तो गर्म पानी ले लो, गर्म पानी से भी दाढ़ी बनती है। नहीं तो नहाते समय दाढ़ी बना लो। नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि एक बूंद तेल ले लो, पानी में मिला के चेहरे पे लगा के रेजर चलाओ, एकदम डीप कट होता है, क्लीन शेव होती है। शेविंग क्रीम का फालतू खर्चा बंद कर दो। फिर और एक फालतू खर्चा आप बंद कर सकते हो, साबुन का। फालतू साबुन ज्यादा मत लगाओ। तो कैसे नहाए? बेसन से नहाओ, चने के आटे से, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ। नहीं तो तौलिया भिगा लो पानी में, गीले तौलिया से शरीर रगड़ लो, पानी से नहा लो। नहीं तो दूध से नहा लो। हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है, शंकर भगवान को दूध से ही नहलाते हैं, तो भक्त क्यों नहीं दूध से नहा सकते? जब भगवान नहा सकते तो भक्त नहा सकते। हम जब बुजुर्गों के पांव छूते हैं ना, तो वो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, लक्स लगाओ पूतो फलो? या लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? हमेशा कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। तो बुजुर्गों की इतनी तो मानो कि दूध से नहाओ। अब दूध से नहाने के फायदे क्या हैं? दूध से नहाने का फायदा, एक तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, गाय पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी, पशुधन बढ़ेगा। पशुधन ही देश का धन है। वो कहते थे ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। तो गाय पशु ये सब धन है, देश का संपत्ति है, बोझा नहीं है कोई। दूध की डिमांड बढ़े तो यही होने वाला है। और दूध से नहाएंगे तो और एक फायदा है, साबुन का खर्चा कम। दूध से नहाए तो और एक फायदा, गंदगी निकल जाती है। आप थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे लगाओ, फिर रुई से चेहरा पूछो, एकदम काला काला रुई हो जाता है, क्योंकि गंदगी सब निकल आती है उससे। दूध एक अकेली चीज है पूरी दुनिया में जो लगाने के 2 मिनट बाद ही गंदगी को खींच लेता है। इसलिए ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिंजिंग होता है, सोप क्लिंजिंग कहीं नहीं होता। तो आप सोचो, नहाना दूध से शुरू करो। 1-2 चम्मच दूध लगता है, 1-2 चम्मच कच्चा दूध लेके तेल की तरह से रगड़ लो, पानी से नहा लो, तो त्वचा एकदम नरम रहती है। त्वचा नरम रहेगी तो कोल्ड क्रीम का खर्चा बचेगा, पामोलिव नहीं लगाना पड़ेगा, ओल्ड स्पाइस नहीं लगाना पड़ेगा, फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा, वो हजारों करोड़ का खर्चा बचेगा। लोग फेयर एंड लवली लगा लगा के परेशान है, कहते हैं इससे गोरापन आता है। मैंने एक भैंस को 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। जो काला है काला है, जो गोरा है वो गोरा है। और जो काला गोरा हो जाता फेयर एंड लवली से, तो अफ्रीका वाले तो सब गोरे होते। कोई क्रीम काले को गोरा नहीं बना सकते, ये तो मूर्ख बनाते हैं वो विज्ञापन। और हम कितना खर्चा करते हैं? 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की है।
50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाते हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खाते, क्या मूर्खता है। बंद करो ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक नेल पॉलिश सब बंद कर दो, फालतू का बहुत खर्चा बचेगा। फिर आप कहेंगे जी सुंदरता नहीं आएगी, सुंदरता गुण कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक से नहीं आती। जिसके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है, ये हमेशा याद रखो। और हम किसी को भी याद करते हैं ना तो गुण कर्म स्वभाव पर याद करते हैं, सुंदरता से किसी को याद नहीं किया जाता इस देश में। हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी थी, या कित्तूर चन्नम्मा को इसलिए याद करते हैं कि बड़ी गोरी थी सुंदर थी, नहीं, उसने काम ऐसा किया देश के लिए इसलिए याद करते हैं, कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे, तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रखा है। कभी कोई आदमी मरता है ना तो ऐसे कोई याद नहीं करता, ओ मर गया कितना गोरा था बेचारा मर गया, कोई याद नहीं करता, हमेशा याद करते हैं, ओ कितना गुणी था, देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, धर्म प्रेमी था, मर गया, ऐसे याद करते। गुण याद होते हैं, कर्म याद होते हैं, स्वभाव याद होता है, सुंदरता याद नहीं रहती, क्योंकि सुंदरता क्षणिक है, नश्वर है, हमेशा नहीं रहती। क्यों फंस गए इसमें फिर क्रीम पाउडर लिपस्टिक? हम तो हिंदुस्तानी लोग कहते हैं आत्मा की सुंदरता की बात है, शरीर में कहां फंसे। तो ये थोड़ा आप बदलने की कोशिश करो, बहुत देश का धन बचेगा। मैंने एक दिन छोटे छोटे ये हिसाब निकाले तो पता चला कि 2,32,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं अगर जिंदगी में एक सूत्र पालन करें, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जीवन सरल हो, विचार उच्च से उच्चतम, इतने से ही 2,32,000 करोड़ बचा सकते। तो आप बचाने की कोशिश करो। अगर आपकी जिंदगी एक जोड़े जूते में चलती है तो दूसरा मत खरीदो तब तक जब तक वो फटे नहीं। एक जोड़े चप्पल में जिंदगी चलती है तब तक मत खरीदो जब तक वो फटे नहीं। दो शर्ट दो पैंट जब तक चल रहे हैं तब तक दूसरा मत बनवाओ जब तक पहला फटे नहीं। इस तरह का सोचना अगर हम शुरू कर दें, भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया, लेकिन हम गरीबी को समझकर सोचकर अपने जीवन में धारण करें ताकि 84 करोड़ हमारे गरीब अमीर हो जाएं, समृद्धशाली हो जाएं, वैभवशाली हो, हमें उनके लिए ये सोचना है। आप बस अपने जीवन में करो। और भारत का हर महान व्यक्ति यही किया। गांधी जी को देखो, बैरिस्टर पास, LLB LLM सब किया, टाई लगाने वाले, सूट पहनने वाले, कोट पहनने वाले सब छोड़ दिया, लंगोटी धारण कर लिया। उसी दिन से देश ने उनको महात्मा कहना शुरू कर दिया। श्री राम ने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, सुविधाएं छोड़ दी, वन में चले गए, कष्ट झेलना शुरू किया, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहना हमने शुरू किया। महावीर ने जब अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वैभव छोड़ा, संसार छोड़ा, तो हमने उसको तीर्थांकर कहना शुरू कर दिया, भगवान मान लिया। गौतम बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़ा, महल सुख सुविधाएं, तब उनको महात्मा कहा गया। इस देश में जिसने जितना ज्यादा त्याग किया वो उतने ही ऊंचे सिंहासन पर बैठा, यही हमारी परंपरा है। भोग करना हमारी परंपरा नहीं, त्याग करना, और त्याग करना तो देश के लिए, समाज के लिए, अपने भाई बांधवों के लिए, ये सोचकर अगर हम अपने जीवन को फिर से रीडिजाइन करें तो बहुत लाभ इस देश को होता है। और एक छोटी सी बात और, कि आप कुछ अपने जीवन में ऐसा करो, खर्चा और कम हो सकता, बीमार पड़ना बंद कर दो, बहुत खर्चा बचेगा। हर साल हम 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं बीमारियों के इलाज पर, और इलाज नहीं हो पाता, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, ना ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, ना डायबिटीज ठीक हो रही है, ना हार्ट अटैक, ना कार्डियक अरेस्ट, ना ब्रेन हेमरेज, एक भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, 6.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं हर साल। तो रास्ता क्या है? बीमार पड़ना बंद करो तभी बीमारी ठीक होगी। बीमार पड़कर इलाज करें और पैसा खर्च करें, ये तो मूर्खता है, बीमारी ना पड़े तो क्या करें?
थोड़ा योग कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। स्वामी रामदेव जी रोज सवेरे फोकट में सिखाते हैं 5 से 7.5 आस्था चैनल पे, कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगता, शुरू करो, चालू हो जाओ। थोड़ा भस्त्रिका कर लिया, थोड़ा कपाल भाति कर लिया, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ा उद्गीत कर लिया, थोड़ा प्रणव कर लिया, 6-7 प्राणायाम वो बताते हैं, वो आप ध्यान से कर लो, 1.5-2 घंटे ही रोज कर लो, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज, आपका अर्थराइटिस, ऐसी 20-50 सैकड़ों बीमारियों से आप बचेंगे। और दूसरों को करवा दो। इसके लिए क्लास चलती है, योग कक्षाएं चलती हैं, यहाँ होशंगाबाद में भी होती होंगी, यहाँ भी योग शिक्षक हैं, उनके शरण में चले जाओ, उनको बुलाओ, वो सिखाएंगे, आप सीख लो उनके पास जाके। ये सब निःशुल्क है, इसमें कोई फीस नहीं लगती। ये सारे हमारे पदाधिकारी पहले योग शिक्षक हैं, बाद में पदाधिकारी हैं, ये सब कक्षाएं लेते हैं, सब सिखाते हैं प्राणायाम। हमारे यहाँ नियम ही है कि पदाधिकारी वही हो सकता है जो खुद सीखा हुआ हो और दूसरों को सिखाता हो। तो आप इनसे कभी भी सीख सकते हैं और खुद कर सकते हैं। महीने में कुछ स्पेशल क्लास भी ये लोग आपकी करा सकते हैं, 4-5 दिन महीने में, और सामान्य कक्षाएं तो रोज चल सकती हैं। तो योग प्राणायाम से आप स्वस्थ रहना सीख लो, और थोड़ा आयुर्वेद के मोटे मोटे कुछ नियम अपने जीवन में आप जान लो तो बीमारियां आएंगी ही नहीं। आयुर्वेद में एक बड़े महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था बाघभट्ट। जैसे चरक थे ना सुश्रुत, वैसे ही बाघभट्ट। उन्होंने कुछ नियम बनाए और उनका यह कहना है कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करे बीमारी नहीं पड़ सकता। आप उन नियमों का पालन कर लो, बहुत आसान नियम है। महर्षि बाघभट्ट कहते हैं वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखो तो बीमारी आएगी नहीं। बस इतनी सी बात है। अब वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए क्या क्या करें, 3-4 उनके छोटे छोटे नियम आप अगर कर लो तो बहुत अच्छा है। उनका पहला नियम है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो, पानी 1 से 1.5 घंटे के बाद पियो। क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं ना तो पेट में अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं, वही खाने को पचाती है। अब आप खाना खाते ही पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि शांत हो जाती है, फिर खाने के पचने का काम बंद हो जाता है, फिर खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा रोग पैदा करता है। इसलिए कहा गया भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, मत पियो, 1-1.5 घंटे बाद पियो। दूसरा उनका नियम है पानी घूट घूट भर के पियो, 1-1 सिप। क्यों, मुंह की लार है ना वो पूरी पानी में मिलके अंदर जानी चाहिए, क्योंकि ये मुंह की लार है ना ये क्षारीय है और पेट में अम्ल बनता है, क्षार और अम्ल अगर मिलता रहे तो न्यूट्रल कर देता है एक दूसरे को, तो पेट न्यूट्रल रहे तो जिंदगी में बीमारी नहीं आती। इसलिए पानी घूट घूट पियो, 1-1 सिप करके। आप पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, 1-1 घूट पानी पीते, चिड़िया को देखो पानी पीते हुए, 1-1 ड्रॉप पानी का उठाती है, 1 बूंद, फिर ऐसे ऐसे मुंह चलाती है, फिर पीती है। सभी जानवरों को देखो, कुत्ता पानी चाट चाट के पीता है, शेर, चीता, लकड़बग्घा, ये सब पानी को सिप करके पीते हैं। और किसी चिड़िया को आपने ओवरवेट नहीं देखा होगा, किसी जानवर को डायबिटीज नहीं है, कोई ओवरवेट नहीं है, क्यों, सब सिप करके पानी पीते। मनुष्य है जो गटागट 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 पीता है और वजन के लिए, फिर डायबिटीज के लिए परेशान है, अर्थराइटिस से परेशान है। आप पानी सिप सिप पीने लगो, बहुत फायदा है इसका, इतना फायदा है कि आप सोच नहीं सकते। तो पहला नियम है खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पियो, दूसरा नियम पानी घूट घूट पियो, तीसरा नियम है बाघभट्ट जी का सवेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पियो, दिन की शुरुआत पानी से करो, बिना मुंह धोए पानी पियो, बिना कुल्ला किए पानी पियो, रात की मुंह की लार जो जमा हो गई ना वो सब पेट में लेके जाओ, थूको मत, क्योंकि वो बहुत कीमती है। सुबह सुबह क्या होता है, पेट खाली होता है तो उस समय एसिड सबसे ज्यादा पेट में बनता है, तो मुंह की लार पेट में जाए तो उसको शांत करती है, इसलिए उठते ही पानी पियो, कम से कम 2-3 गिलास, फिर उसके बाद टॉयलेट में जाओ। चौथा नियम है ठंडा पानी कभी मत पियो, गलती से भी मत पीना, कितनी भी प्यास लगे, तेज गला सूखता हो, ठंडा नहीं पीना, सादा पानी पीना या गुनगुना पीना। क्यों, ठंडा पानी पीते ही सारी गड़बड़ होती है, पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है, गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे तो पेट पानी को गर्म करेगा, नहीं तो आप मर जाएंगे।
पानी अगर पेट में ठंडा बना रहे 3 मिनट तक तो लीवर किडनी सारे फंक्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि लीवर और किडनी को फंक्शन करने के लिए गर्मी चाहिए, ठंडापन नहीं चाहिए, हार्ट फंक्शन बंद कर देता है। तो 3 मिनट में वो पानी को गर्म करना पड़ता है पेट को, और पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए, गर्मी कहां से आएगी, खून में से, तो सारे शरीर का खून पानी को गर्म करने में लग जाता है। तो 3 मिनट तक शरीर के सभी अंगों में खून की कमी आ जाती है, और एक दिन में 10 गिलास आपने ठंडा पानी पिया तो 3 मिनट के हिसाब से सोचो 30 मिनट, और एक साल में हजारों गिलास पानी पिया तो सोचो कोई अंग हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा अगर ब्लड की कमी ज्यादा हो गई तो, फिर बदल नहीं पाएंगे उसको आप। लीवर खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट करने में 15 लाख का खर्चा है, किडनी खराब हो जाए तो 2.5-3 लाख का खर्चा, हार्ट खराब हो जाए तो 7-8 लाख का खर्चा। क्यों आप रिस्क ले रहे हैं? मत पियो ठंडा पानी, फ्रिज में पानी रखना बंद कर दो, फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं है, दवा रखने के लिए। तो आप मत पियो, दूसरे को मत पिलाओ, हमेशा सादा पानी पियो, गुनगुना पानी पियो। सर्दियों में तो बहुत अच्छा है, गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं, बारिश में तो पानी को उबाल कर ही पीना सबसे अच्छा, जॉन्डिस से भी बचेंगे। तो ये छोटे छोटे नियम है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, पानी घूट घूट पीना, सवेरे उठते ही पहले पानी पीना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, पानी को हमेशा बैठ के पीना, खड़े खड़े नहीं, खड़े खड़े पिया हुआ पानी सब अर्थराइटिस का तकलीफ बढ़ाता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, हमेशा बैठ के पीना। ऐसे ही खाना खाओ तो खाने को इतना चबाओ जितने आपके दांत, 32 दांत हैं तो 32 बार चबाओ, रोटी का टुकड़ा मुंह में रख के 32 बार चबाओ, लार के साथ घुल के पानी जैसा होके अंदर जाएगा, बहुत अच्छी जिंदगी में सेहत रहेगी आपकी। खूब चबा के खाना। और एक दो छोटी छोटी बातें हैं कि खाना खाते समय 2 चीजें ऐसी साथ में ना हो जो एक दूसरे की विरोधी हैं, जैसे दूध और दही साथ में नहीं हो, प्याज खाना है तो दूध मत खाओ, दही खाना है तो प्याज नहीं होना चाहिए, दही में नमक डाल के मत खाओ, मीठी चीज डाल के खाओ, नहीं तो सादा दही खाओ। दही में नमक डालना माने दही का सत्यानाश करना, दही जो है ना छोटे छोटे जीवाणुओं का घर है, लैक्टोबैक्टीरिया सबसे ज़्यादा दही में है, वो जीवित चाहिए शरीर को, जैसे ही एक चुटकी नमक डालते हैं सब मर जाते हैं, फिर दही खा रहे हैं तो जीवाणुओं की लाश खा रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है दही में कभी भी नमक नहीं डाल के खाना, बूरा डाल के खा सकते हैं, मिठाई डाल के खा सकते हैं, नमक नहीं। और नमक डालने की कोई मजबूरी हो तो सेंधा नमक डालें, काला नमक, सादा नमक नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हम हमारे जीवन में पालन करते हैं तो बीमारी आती नहीं, तो खर्चा बचता है, तो देश की आमदनी बढ़ती है। तो ये एक रास्ता है देश को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को सुखी बनाएं। हमारे देश में ही ये कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, ये भारत में ही है प्रार्थना और कहीं नहीं। तो इस प्रार्थना को हम हमारे जीवन में उतारें, हम सुखी बने, दूसरों को सुखी बनाएं। ये छोटी छोटी ज्ञान की बातें आपने सीखी, दूसरों को सिखाएं, सारे देश में घर घर में, गली गली, गांव गांव ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, ये एक बड़ा काम और आप कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है कि थोड़ा जीवन बदलिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में जाइए, फालतू खर्चे मत करिए। और जो काम करने से देश का पैसा बेकार होता हो, विदेश में जाता हो, तो बिल्कुल मत करिए, माने विदेशी वस्तु गलती से भी मत खरीदिए। आपको स्वामी जी बार बार कहते हैं, टीवी में आता रहता है कि एक भी विदेशी वस्तु आपने खरीदी तो देश का पैसा गया, और वो पैसा फिर आएगा नहीं वापस देश में, उसने पैसे की कमी जिंदगी भर रहेगी। इसलिए आप अपने जीवन में एक स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने का सिद्धांत। अब आप ये पूछोगे पता कैसे चलेगा कौन सी वस्तु विदेशी कौन सी स्वदेशी, उसके लिए एक पत्रक बनाया है, जीवन दर्शन एक पुस्तक है, उसमें पीछे छपा हुआ है, आप ले सकते हैं, योग समिति वाले आपको दे सकते हैं, छाप के अलग से भी दे सकते हैं, वो जानकारी आपको हो जाएगी। बस मन में संकल्प आप करें, तो ये छोटे छोटे कुछ संकल्प आप करें देश के लिए, समाज के लिए, ये निवेदन करने आया। इतनी देर मैंने आपसे ये सब बातें की, आपने बड़े ध्यान से सुनी, मैं आपका आभारी हूँ।
आप इन बातों को दूसरों को सुनाएंगे और भी आभारी रहूंगा। अब मेरी बातों पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता हो, कोई जिज्ञासा होती हो, तो आप जरूर पूछें, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मेरी एक ही विनम्र प्रार्थना है कि अगर हम सब बैठे हैं यहाँ एक साथ तो प्रश्न पूछें, एक एक उठ के जाने लगे तो फिर प्रश्न करना ठीक नहीं होगा। तो आप सब बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, प्रश्न करना है तो साथ में सुने, हो सकता है वो प्रश्न आपके भी काम आ जाए आपके जीवन में। हाँ, पीछे से प्रश्न आया है, वो ये है कि अपने देश में जो काला धन है, जिसकी मात्रा मैंने बताई ना 36 लाख करोड़ का, इसके लिए कोई योजना है? हाँ, इसके लिए योजना ये है कि इस काले धन को सफेद बनाना है, और इसको सफेद बनाने का एक ही मिनट का काम है कि आप इनकम टैक्स कानून को जिस दिन रद्द कर देंगे, ये सारा काला धन अपने आप सफेद हो जाएगा। और ये 36 लाख करोड़ कहीं छुपा हुआ रखा है लोगों के घरों में, ये अपने आप बाहर आ जाएगा। या तो लोग उसे बैंक में जमा कर देंगे, या तो उसको कारखाने लगाने में, उद्योग लगाने में इस्तेमाल करेंगे, या उस पैसे का खर्चा करेंगे। तीनों ही स्थिति में ये पैसा इकोनॉमी में घूमेगा, अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। अब 36 लाख करोड़ रुपए अगर अर्थव्यवस्था में आता है तो इससे तो कितनी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं पूरे देश की। तो काला धन जो पहले से तैयार है, जमा पड़ा है, इसको भी बाहर निकालना है। इसी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बड़ा संशोधन और फेरबदल करवाना है, वो एक बड़ी योजना है, उसकी भी कोशिश हमारी चल रही। और कोई प्रश्न? भारत स्वाभिमान अभियान ये कर रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था हमारी इस समय है वो अंग्रेजों की है। मैकॉले नाम का एक अंग्रेज आया, उसने शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया, उसके आधार पर स्कूल चलते हैं सारे के सारे। हम उस पाठ्यक्रम को बदलना चाहते, नया पाठ्यक्रम लाना चाहते, उसके लिए एक स्वदेशी शिक्षा का मॉडल हम बना रहे हैं, और उसमें गुरुकुलों की व्यवस्था शुरू करने फिर से जा रहे हैं। पहले जो गुरुकुल हमारे यहाँ होते थे, उनकी विशेषता सबसे बड़ी ये थी कि वो निःशुल्क होते थे, माने शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होती थी, वो गरीब हो या अमीर हो। आपको मालूम है श्री कृष्ण और सुदामा एक ही जगह पढ़ते थे, सुदामा के पास तो पैसे ही नहीं थे, कृष्ण तो करोड़पति थे, करोड़पति का बेटा या रोडपति का, सब एक साथ पढ़ते थे क्योंकि फीस नहीं लगती थी। तो शिक्षा तो निःशुल्क ही होनी चाहिए। दूसरा, उस शिक्षा में जो ज्ञान होता था वो ऐसा होता था जो जीवन के काम का। अभी जो शिक्षा है इसमें ज्ञान ऐसा है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। जैसे मैं खुद मेरे से प्रश्न करता हूं, मैंने गणित पढ़ा, मॉडर्न एलजेब्रा पढ़ा, उसमें x प्लस वाई होल स्क्वायर पढ़ा, x माइनस वाई होल स्क्वायर पढ़ा, x प्लस वाई होल क्यूब पढ़ा, x माइनस वाई होल क्यूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब रटा, इम्तहानों में लिखा, नंबर भी लाया, लेकिन वो आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया, एक भी दिन काम नहीं आया x प्लस वाई होल स्क्वायर। जब काम नहीं आया तो क्यों पढ़ा मैंने? मेरे टीचर कहते हैं काम उनको भी नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया क्योंकि उनको किसी ने पढ़ाया। तो ये भेड़िया दसान क्यों चलाना? तो जो ज्ञान काम नहीं आता उसको पूरा हटा देना ही अच्छा है, वो बोझा है, और जो हमें याद नहीं रहता वो भी हटा देना अच्छा है। हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं है हमारी पढ़ाई की, क्योंकि वो काम की नहीं है इसलिए याद नहीं है। जो चीजें रोज काम आती हैं वो याद रहती हैं, जो रोज काम नहीं आती वो बेकार है। तो जो याद नहीं रहने वाला वो हटा दें, जो काम का नहीं है वो हटा दें। परिणाम जानते हैं क्या होगा? 12वीं तक की शिक्षा किसी भी विद्यार्थी को 2-3 साल में ही मिल जाएगी, उसका समय बच जाएगा, उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। और फिर प्रोफेशनल एजुकेशन में भी हम यही कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में, तो ये हम करना चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं? सारी शिक्षा मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, आसामी या हिंदी, इनमें पूरी पढ़ाई हो, अंग्रेजी बिल्कुल खत्म हो। अंग्रेजी किसी को सीखनी है भाषा के रूप में तो सीखे, जिनको विदेश जाना है, विदेश व्यापार करना है, वो अंग्रेजी सीखे। सबको मार मार के अंग्रेजी क्यों सिखाना?
उससे उसका दिमाग कुंठित होता है। हमारे देश में पता है बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमेशा फेल होते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। उनका गणित अच्छा है, उनका फिजिक्स अच्छा है, उनका केमिस्ट्री अच्छा, अंग्रेजी खराब है। और अंग्रेजी खराब होने में हैरानी क्या है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, खराब तो होनी चाहिए। हमें अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? इंग्लैंड में किसको हिंदी आती है जो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए? जब वो हिंदी सीखने के लिए परेशान नहीं है तो हम अंग्रेजी सीखने के लिए क्यों मारामारी कर रहे हैं? और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अंग्रेजी का बाजा बजाते रहते हैं हमेशा, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दुनिया में 200 देश हैं, सबका मैंने पता कर लिया, सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। फ्रांस में फ्रेंच चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, स्वीडन में स्वीडिश चलती है, डेनमार्क में डेनिश चलती है, रूस में रशियन चलती है, जापान में जापानीज चलती है, चीन में चाइनीज चलती है। सब देशों की अपनी भाषाओं में शिक्षा होती है, भारत में ही अंग्रेजी चलती है। और ऐसी मूर्खतापूर्ण भाषा है जिसका कोई और छोर नहीं है। प्यूटी पुट तो ब्यूटी बुट, और ब्यूटी बट तो प्यूटी पट। सीयूटी कट ब्यूटी बट, तो प्यूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और अगर प्यूटी पुट है तो ब्यूटी बुट सीयूटी कुट होना चाहिए। क्या मूर्खतापूर्ण भाषा है! अंग्रेजी में लिखते हैं चोपड़ा, सी एच ओ पी ए आर ए, चोपड़ा लिखते हैं ना। अच्छा, कहीं पे सी एच चोपड़ा कर देते हैं, कहीं सी एच कोपड़ा कर देते हैं। अब कहां कर देते हैं? केमिस्ट्री लिखते हैं तो सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, वहां सी एच है, यहां सी एच है, यहां चोपड़ा हो गया, वहां केमिस्ट्री क्यों नहीं है? और अगर वहां केमिस्ट्री है तो यहां कोपड़ा क्यों नहीं है? कोई जवाब है? मूर्खतापूर्ण भाषा, जिसका जिसका कोई ग्रामर नहीं है, उधार लिया हुआ सारी दुनिया से, शब्द नहीं है उनके पास, सब उधार लिया हुआ है। शब्दों की इतनी कमी है अंग्रेजी में, एक शब्द है अंकल, ले दे के, चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, ताऊ हो, सब अंकल। हमारे यहां हो सकते हैं? चाची हो, ताई हो, मामी हो, मौसी हो, सब आंटी, क्योंकि शब्द ही नहीं है। जिस भाषा में शब्दों का इतना अकाल हो उसको हम कहें कि बड़ी अच्छी भाषा है। हमारे पास हर बात के लिए एक खास शब्द है, उनके पास है ही नहीं। और अंग्रेजी के मूल शब्द तो बहुत कम है, लैटिन से उधार ले लिए, फ्रेंच से उधार ले लिए, जर्मन से ले लिए, फिर रशियन से ले लिए, फिर इनसे ले लिए, खिचड़ी बना लिया उन्होंने अपना। हम उसको वाह-वाह करते रहते, इसमें मत फंसिए। और अंग्रेजी के कुछ शब्द तो इतने खराब हैं जिनको हम जानते नहीं, बोलते रहते हैं फालतू में। हमारे देश में अधकचरे लोग बहुत हैं। अधकचरे लोग पता है कैसे? पिताजी हैं रामदयाल, माताजी हैं गायत्री देवी, बेटा है टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया? अब उनसे मैं पूछता हूं, भैया आपने इसका नाम टिंकू क्यों रखा? कुछ मालूम नहीं। फिर उनको दिखाता हूं कि देखो, टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। अंग्रेजी में टिंकू उसको कहते हैं जो आवारा हो, बाप की ना सुने, माँ की ना सुने। आप अपने अच्छे खासे बच्चे को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा करना चाहते हैं? नाम रखे हुए बबली, डबली, डिंकल, ट्विंपल, पंपल, पता नहीं क्या क्या नाम, कुछ मतलब नहीं जिन नामों का, उनको रख के क्यों अपना दिमाग खराब बच्चों का करते हैं खराब। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं, कभी मैं उनसे मिलता हूं, अधकचरे लोग कैसे, ना तो अंग्रेज हुए ना हिंदुस्तानी रह गए, बीच के रह गए, त्रिशंकु। हाँ, वो कभी मिलेंगे, कहेंगे राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज। मैं कहता हूँ ओ रियली, शी इज योर मिसेज? क्योंकि उनको मिसेज का मतलब नहीं मालूम। मिसेज का मतलब जानते? मिसेज का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री, वो मिसेस होती है। और यहां धर्म पत्नी को मिसेस बनाने में सब लगे रहते, ऐसे ही बोलते हैं, ओ ही इज माई मिस्टर। तो मैं पूछता हूं रियली? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर होता है। और सबसे खराब अंग्रेजी का शब्द है मैडम। ये अंग्रेजी का तो है नहीं, ये फ्रेंच का शब्द है। फ्रेंच में शब्द है मादाम, एम ए मा डी ए एम ई दाम, माँ माने मेरा या मेरी, दाम माने महिला, स्त्री, लड़की।
माँ दाम, मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी जो भी कुछ है वो आपकी है, तो सब हो सकती है क्या आपकी? मैडम 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 मैडम, जिसको देखो उसको मैडम आप कहते रहते हो, क्या मूर्खता आप सब करते। ये सब बंद करो आप, ये मैडम कहना, मिस्टर कहना, मिसेस कहना बंद करो सर। मालूम ही नहीं है आपको, आप बकते जाते हैं, कहते जाते हैं। मुझे तो इतनी खुंदक होती है कि कोई महिला अपने को मैडम कहलवाती कैसे, क्योंकि पता ही नहीं है उनको मैडम का अर्थ क्या है। और ये तो बहुत ही खराब शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, आप तो सुन नहीं पाएंगे उनकी डेफिनेशन जो है। मैं थोड़ी अंग्रेजी और अमरीकी सभ्यता पर बहुत काम कर रहा हूँ, रिसर्च बहुत किया है, हर शब्द का एक इतिहास है। अंग्रेजी में मिस्टर शब्द कहाँ से आया, मिसिस कहाँ से आया, मैडम कहाँ से आया, इसका अपना पूरा हिस्ट्री है। अगर वो जान लें तब इस्तेमाल करें तब तो समझ में आता, बिना जाने बूझे हम इस्तेमाल करते। बंद करिए ये सब, इसमें कोई शान की बात नहीं है। श्रीमान कहिए, श्रीमती कहिए। श्रीमती कितना सुंदर शब्द है, श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि, लक्ष्मी और सरस्वती माने बुद्धि और लक्ष्मी जहां एक साथ हो वो श्रीमती, वो मिसेज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो गर्व करिए अपनी भाषा पर, भाव रखिए अपनी भाषा। जो व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर सकता वो किस पे करेगा? भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज, ये सब गर्व करने की चीज है। अंग्रेजी में ये नहीं मिलेगा आपको। अंग्रेजी सीखिए भाषा के रूप में, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसको जीवन में ओढ़िए और बिछाइए मत कभी, दूर रखिए थोड़ा। जबरदस्ती किसी पर रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलने लगे वो बहुत खराब है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिए। हम चाहते हैं भारत स्वाभिमान की शिक्षा व्यवस्था ऐसी जिसमें अंग्रेजी की जरूरत ना पड़े, मातृभाषा में सारी पढ़ाई हो, पाठ्यक्रम हमारा अपना हो, मैकॉले वाला पाठ्यक्रम हम हटा दें, गुरुकुल पद्धति फिर से आए जहां शिक्षा निःशुल्क मिले, क्या करोड़पति क्या रोडपति, और विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाए वो ऐसा हो जो उनके जीवन में काम आए। जो जीवन में काम नहीं आता वो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। उसके लिए हम एक अभ्यासक्रम बना रहे हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, आपको मैं दे दूंगा। आपकी इच्छा हो तो उस अभ्यासक्रम को आधार बना के यहाँ होशंगाबाद में भी गुरुकुल शुरू कर सकते, एक नहीं दस कर सकते। उसके लिए पहले शिक्षकों को तैयार करेंगे, जैसे अभी हम योग शिक्षक तैयार करा रहे हैं वैसे ही इन गुरुकुलों के लिए शिक्षक तैयार करेंगे, उनके भी प्रशिक्षण शिविर होंगे। आप चाहें तो अपना गुरुकुल चला सकते हैं, समूह में चला सकते हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं, और इस शिक्षा व्यवस्था में इम्तहान नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जा सकती। ज्ञान असीमित है, कोई परीक्षा नहीं ले सकता उसकी। ज्ञान तो सीखना और सिखाने का काम होता है। हमारे गुरुकुल चला करते थे, कोई परीक्षा नहीं होती थी उनमें, और सर्टिफिकेट के लिए कोई कुछ नहीं करता था, ज्ञान के लिए सारा होता। तो हम चाहते हैं कि वो शिक्षा पद्धति आए, उसके लिए हमारी कोशिश है कि अलग से बोर्ड बने इस देश में, जैसे एक CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, ऐसे ही हम अपना अलग बोर्ड बनाएंगे, उसके नीचे सब गुरुकुल चलाएंगे और उनकी मान्यता वहीं से होगी। तो अभी एक पतंजलि विश्वविद्यालय तो बन ही रहा है, थोड़े दिन में तैयार हो जाएगा, उसके नीचे ये सब काम चलेगा। तो आपकी इच्छा होगी तो आप भी इसमें जुड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा अभियान होगा, जैसे योग और प्राणायाम का है ना, वैसे ही शिक्षा के स्वदेशीकरण का अभियान लगभग 2 साल में शुरू होगा, बहुत बड़ा अभियान होने जा रहा है। क्योंकि शिक्षा अगर नहीं बदलेगी तो नया भारत नहीं बनेगा, मूल से जड़ से तो हमें करना ही पड़ेगा, तो वो भी कोशिश है। अब इस विषय पर अगर मैं व्याख्यान देता हूँ तो 3 घंटे लगता है, आपने प्रश्न पूछा तो मैंने संक्षेप में बताया। अगर आपकी इच्छा हो तो संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पत्र डाल सकते हैं, फोन कर सकते हैं। जी नहीं, जरूर करें, बस ये चेतना के साथ करें, ध्यान के साथ करें कि हमारा वोट कितना कीमती है।
आपका एक वोट किसी को 6,14,000 करोड़ रुपए लूटने का लाइसेंस दे देता है। इसको ध्यान रखें। हम हमारे वोट का इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान नहीं रखते। हम चुपचाप जाते हैं और बिना किसी कदर के देके चले आते हैं, सोचते नहीं, विचारते नहीं कि जिस व्यक्ति को हमने दिया है वो इस लायक है भी या नहीं भी। चूंकि हम ये विचार नहीं करते, इसलिए गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, मवाली जीत के पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर पार्लियामेंट में पहुंचे हुए, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, मर्डर के केस चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए। ये हमारी बेकदरी का नतीजा है। तो हम ध्यान रखें वोट देते समय कि ये कितना कीमती है। मेरा ये कहने का मतलब है, आप वोट जरूर करें, बिना वोट करे नहीं रहें, लेकिन जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके वोट का पात्र है या नहीं, इसको जरूर ध्यान में रखें। उसका चरित्र कैसा है, चाल चलन कैसा है, देशभक्ति कितनी है, राष्ट्रभक्ति कितनी है, किस लिए वो जा रहा है संसद और विधानसभा में, ये सब चीजें आपकी ध्यान में होनी चाहिए। उनको देखकर वोट करें। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं खुल के, पार्टी को कभी भी वोट ना करें, प्रत्याशी को वोट करें। हमारे यहां क्या होता है ना, पार्टी एक साथ टिकट बांट देती है चोर उचक्के लुच्चे लफंगे गुंडों को, और एक पार्टी ने गुंडों को दिया, दूसरी उससे बड़े गुंडे को देती है, क्योंकि गुंडा ही गुंडे को टक्कर दे सकता है, ये उनके तर्क है, कुतर्क है। हाँ, व्यक्ति को वोट दे, हाँ, तो तीसरा अपना खड़ा करें। अगर आपके यहां ऐसी मजबूरी आ जाए कि दो गुंडे हैं बड़े बड़े, तो तीसरा अपना प्रत्याशी खड़ा करें। ये मेरा कहना, जो चरित्रवान है, जो आपके वोट की कदर कर सकता है, जो देश और समाज के लिए काम कर सकता है, उसको आप खड़ा करें और जिता के विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाएं। पार्टियों के खड़े किए हों को हराएं, ध्वस्त करें, क्योंकि पार्टियां कई बार इतने घमंड और गुरूर में होती हैं, वो क्या सोचते हैं, हमने खड़ा कर दिया, जीतने ही वाला है, अभी इनका ये घमंड तो तोड़ ही देना है कि तुमने खड़ा किया हुआ हमेशा जीतेगा, गारंटी नहीं है, लोगों ने खड़ा किया हुआ भी जीत सकता है। और ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है, मुझे सुनाई दिया, रतलाम में हुआ है, बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी कर दिया लोगों ने। तो अगर ये एक जगह हो सकता है तो सब जगह होना चाहिए। ये चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है कि मैं तो जीत के ही आने वाला हूँ, मुझे कौन हराने वाला है, मैंने यहाँ मैनेज किया है, मैंने वहाँ में, इनका घमंड और गुरूर तो टूटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक होता है। यही घमंड और गुरूर पूरे देश को इमरजेंसी तक लेके चला जाता है, जिसमें सारे अधिकार लोगों के खत्म करने पड़ते हैं। यही घमंड हो गया था श्रीमती गांधी को कि मेरी सत्ता को कौन चुनौती दे सकता, मैं तो सर्वे सर्वा इस देश की। और वो काले दिन उन्होंने दिखाए इस देश को, जो भगवान न करे दोबारा देखने पड़े। इसी देश की जनता ने उनका घमंड तोड़ा था, गुरूर तोड़ा था। जो गांधी, श्रीमती गांधी हारती नहीं थी कहीं से चुनाव, उनको पानी पिला दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी इस देश में, आपको मालूम है। तो इस देश की जनता में उतनी चेतना और उतना विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि कोई सिर चढ़ के ना बैठ जाए। वो आपका प्रतिनिधि है, मालिक नहीं है, वो आपका सेवक है, नौकर है, वो मास्टर नहीं है इस देश का, उसको उसकी जगह दिखा के रखो। हमने इनको बहुत ज्यादा सिर चढ़ा लिया है, अपने जनप्रतिनिधियों को, हर बड़े छोटे काम में हम लेके पहुंच जाते हैं, आओ नेताजी, आओ नेताजी, हमारा ये उद्घाटन, हमारा वो, क्या दिमाग खराब कर रखा है आपने। वो इस काम के लिए थोड़ी है जो आपका उद्घाटन करते फिरे, वो कानून बनाने के लिए भेजे गए हैं विधायिका में, लोकसभा में, वही काम करने देना चाहिए। हरी झंडी हिला रहे हैं जैसे कोई गार्ड खड़ा हो गया, ट्रेन का उद्घाटन, इसका उद्घाटन, कहीं मृत्यु देने वाला जो शमशान है वहां भी उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, नल का उद्घाटन, माने मजाक बना दिया पूरी लोकसभा, पूरी विधानसभा को, हर छोटे बड़े काम में होटल का उद्घाटन करने पहुंच गए किसी कहीं, ऐसी स्थिति हमने बना रखी है। क्यों दिमाग खराब किया? हमारे पास क्या विद्वानों की कमी हो गई है जो उद्घाटन करने को हमें नहीं मिलते, या हमारे पास अच्छे लोगों की कोई कमी हो गई है? अपने जीवन में थोड़े परिवर्तन लाइए, इनको इनकी जगह रहने दीजिए। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, लेकिन कितनी जरूरी है, एक मेरा सूत्र है, इस पर आप हंसिए मत, चिंतन करिए, विचार करिए। हमारा पूरा घर होता है ना, उसमें एक टॉयलेट होता है, एक टॉयलेट के बराबर पूरी पॉलिटिक्स है, बस वो पूरा घर नहीं है। टॉयलेट में जाते हैं क्योंकि बिना जाए काम नहीं चलता,
उतना ही है पॉलिटिक्स, इससे ज्यादा नहीं है। हमने इसको पूरा घर बना दिया है, हमारे घर का पूजा घर, हमारे घर का रसोई घर, हमारे घर का ड्राइंग, सब पॉलिटिक्स 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 कर दिया, माने समाज के हर अंग में इसको फैला दिया। ये गड़बड़ हो गई है, इससे संतुलन टूट गया हमारा, विचार करने का, आचरण करने का। इस संतुलन को वापस लाने की जरूरत है। पॉलिटिक्स आपके जीवन का छोटा सा हिस्सा है, शायद 5% 10%, बहुत अधिक तो 15%, उसको उतना ही रखिए। पूरा जीवन उसमें आपका डूब जाए ऐसा मत करिए। समाज में उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए और करवाने के लिए। हम लोग भारत स्वाभिमान की तरफ से यही करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को थोड़ा सा हिस्सा मानकर, बाकी काम उससे ज्यादा बड़े हैं इस देश में, उनको करने की तैयारी इस भारत स्वाभिमान की मदद से हो रही, क्योंकि कोई पार्टी ये काम नहीं करेगी, हमें ही करना पड़ेगा। इसमें मानसिकता बनती है व्यवस्था से। ये जो व्यवस्था है ना, वो लोगों को मजबूर करती है। इस व्यवस्था में क्या है, जो पैसे वाला है वही जिंदा रह सकता है, जो गरीब है उसके जिंदा रहने के रास्ते बंद है। इसलिए हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है, क्योंकि व्यवस्था उसको जिंदा नहीं रहने देती। आप व्यवस्था को बदल दो और ऐसी कर दो कि गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जिंदा रह सके इस व्यवस्था में, तो किसी की आकांक्षा नहीं है लखपति होने की। वो तो व्यवस्था की मजबूरी उसको तकलीफ देती है। तो हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिसमें गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जी सके रह सके। अमीर गरीब तो सभी समाज में रहेंगे, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5ों बराबर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, वो उतना ही रहना चाहिए जितना उंगलियों का है। ये नहीं कि एक आदमी को रोज 20 रुपए भी नहीं है और एक को 1 मिनट में 20,000 है। तो व्यवस्था बदल के आदमी के मन में आश्वस्ति ज्यादा हम पैदा कर सकते हैं, तब वो लखपति बनने का ख्वाब छोड़ देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि रोडपति होके भी वो सम्मान के साथ रह सकता है। तो सम्मान बढ़ाना है उसका, ऐसी व्यवस्था बनानी। जी दो तीन छोटे काम है। एक तो ये काला धन खत्म कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इनकम टैक्स की मदद से। दूसरा काम ये कर दीजिए कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको फांसी और मृत्यु दंड की सजा कानून बना के, जैसे आपने कानून बनाया ना, बलात्कारी आदमी है उसको 14 साल की जेल, या बलात्कार करने के बाद मर्डर कर दिया तो फांसी, ऐसे ही आप बना दो कि आपने सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया, जैसे चीन में है वहां फांसी की सजा है, 1 ही मिनट लगता गोली मार देते हो। चीन में सरकारी पद पर रहते हुए आपने रिश्वत खाई और आप पकड़े गए तो भगवान भी नहीं बचा सकता, 3 दिन नहीं लगते उनको, 3रे दिन तो गोली मार देते हैं। चीन में तो बहुत ज्यादा करप्शन है। हाँ ये भी सही है कि करप्शन है, लेकिन उनका करप्शन और हमारे करप्शन में जमीन आसमान का अंतर है। उनका करप्शन वैसा ही है जैसे अमेरिका में ऊपर के लेवल पर टॉप में, हमारे यहाँ जैसे ये तहसीलदार के पास जाओ अपनी जमीन के कागज निकलवाओ तो कहेगा 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, बाबू के पास जाओ क्लर्क के पास कहेगा 1 चाय प्याला पिला दो, 2 चाय पिला दो। ये नीचे के स्तर पर छोटी छोटी, ये चीन में नहीं, वहां आदमी बहुत आराम से जिंदा रहता है। चीन में क्या है, ऊपर के लेवल पे करप्शन है, लेकिन पकड़ गए तो सजा इतनी कठोर है कि रूह कांप जाती है। चीन में और इसी तरह का है, मिलावट आपने की, पकड़े गए तो कोई बचा नहीं सकता फांसी से। अभी चीन में मिलावटी दूध पकड़ा गया, केस आ गया, 3 महीने में फैसला हो गया, 1,543 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया चीन की सरकार ने, मिलावटी दूध पकड़ा दिया एक साथ बिना मुरब्बत के। अब हमारे यहां मिलावटी काम करने वाले सालों साल जिंदा रहते हैं, कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कानून ऐसे। तो आप कानून कुछ जगह थोड़े कठोर बना दो भ्रष्टाचार के, मिलावटखोरी के, आप देखो इस पे बहुत कंट्रोल आ जाएगा। और समाज में गरीब से गरीब आदमी को सम्मान के साथ जिंदा रहने का रास्ता खोल दो, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। हर आदमी पैसा कमा के जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है इससे सम्मान बढ़ता है।
आप दूसरे चीजों में सम्मान बढ़ा दो, उसका कारीगरी का सम्मान बढ़ा दो, ज्ञान का सम्मान बढ़ा दो, उसके नॉलेज का सम्मान बढ़ा दो, वो पैसे की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि पैसा तो उतना ही चाहिए खाने पीने के लिए, सम्मान दूसरी चीजों से मिलने लगे पैसे के अलावा, तो उस रास्ते पे लोग चल पड़े। ये तो हम जैसी व्यवस्था बनाए वैसे बनने की बात। जी जी एक ही बात है, हमारे देश की सरकारें ये कहती हैं कि कृषि अगर लाभकारी हो गई तो नेताओं की राजनीति डूब जाएगी। नेता ये कहते हैं कि राजनीति चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए, भुखमरी होनी ही चाहिए, बेरोजगारी होनी। मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी, आराम से हो जाए। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है, उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म, ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे फिर। इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूँ, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी भुखमरी बेकारी खत्म हो, क्योंकि उससे उनका आधार ही खत्म होता है, उनका तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, गरीबी भुखमरी बेकारी वो खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते। अब आपके ऊपर है कि आप इसको ताकत लगा के खत्म कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी, ये हमारे लिए है मुख्य बात समझने। बहुत आसान है, कृषि लाभकारी हो सकती है, आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योगपति अपने कोई भी उत्पाद का भाव तय करता है वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव खुद तय करेगा, बस बात खत्म हो गई। उसको जो लगता है गेहूं बेचेगा उस भाव में, उसको जो लगता है चावल बेचेगा उस भाव में। अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तय कर सकता है तो गेहूं पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहूं का भाव तय, अपने हिसाब से तय कर लेगा, जिसको खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। जैसे जूता होता है, चप्पल होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, इनके भाव सरकार तय करती है क्या, वो अपने भाव खुद तय करते हैं। किसान को भी छोड़ दो, अपने भाव तय कर लेगा तो उसमें सब चीजें जोड़ेगा वो, है जी। हाँ, तो आप ये जो क्रेता का किस्सा है ये विक्रेता का कर दो, जैसे पूरी इकोनॉमी में विक्रेता भाव फिक्स करता है ऐसे ही किसान की इकोनॉमी में विक्रेता फिक्स करेगा, इतना ही करना है, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी। 99% आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ और जीवन में भी उतारा। एक ही चीज दूध थोड़ा सा बदले से आपका वो है, दूध का हमारा नैतिक अधिकार कैसे है पीने का। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है इनका, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को मैं थोड़ा और अच्छे से कहता हूँ, इन्होंने नहीं कह पाया मैं कहता हूँ। इनका ये कहना है और इस देश में कुछ लोगों का ये कहना है, विशेष रूप से मेनका गांधी जैसे लोगों का ये कहना है कि दूध तो जानवरों के बच्चों के लिए है, जैसे माँ का दूध अपने बच्चे के लिए है वैसे ही जानवरों का दूध अपने बच्चे के लिए है, ये उनका कहना है। मैंने इसमें थोड़ा काम किया, थोड़ा जानने की कोशिश की कि हमारे देश में गाय होती है, बैल होती है, भैंस होती है, तो हमारे देश में ऐसी भी गाय हैं जो 60 लीटर 70 लीटर 80 लीटर दूध देती हैं। थरपारकर, साहिवाल, कांकरेज, अमृत महल, राठी, कुछ ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं। अब बछड़े का दूध जो होता है, जो वो रोज पी सकता है, वो उसके वजन का 1/10 हिस्सा होता है, ये विज्ञान का नियम बता रहा हूँ आपको। कोई भी बछड़ा या बछड़ी उसका जो कुल वजन है उसका 1/10 हिस्सा ही वो दूध पी सकता है। मान लो बछड़े का वजन है 10 किलो, कल्पना करो, जब वो पैदा होता है 15 किलो, कल्पना करो, तो वो एक दिन में 1.5 लीटर ही दूध पी सकता है। ज्यादा पिलाओगे दस्त हो जाएंगे उसको, टट्टियां हो जाएंगे। अब सुनो,
अब वो 1.5-2 लीटर तो पी सकता है, अब उसकी मां को दूध उतरता है 15 लीटर, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, या तो बछड़े को ज्यादा पिलाएंगे तो वो बीमार होकर मर जाएगा, या बछड़े को दूध 1.5-2 लीटर ही पिलाएंगे, बाकी दूध मां को उसके थनों में ही छोड़ देंगे तो मां मर जाएगी। क्योंकि दूध जो है ना वो प्रोटीन है, और जब वो सूखेगा तो वही ट्यूमर में कन्वर्ट होगा और कैंसर होगा और वो गाय मर जाएगी। आपको मालूम है जिस गाय का दूध नहीं निकाल पाते उसको इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, चिल्लाना शुरू कर देती है वो। कई बार क्या होता है ना, मां जैसे वैसे ही गाय, कोई मां है ना जन्म देते ही उसका बच्चा मर गया तो अंदाजा लगा लो उस मां को कितनी तकलीफ होती है, उसका दूध नहीं निकलता। वैसे ही गाय का बच्चा मर गया, अब दूध तो बच्चे के लिए है, वो तो मर गया, आप तो निकालोगे नहीं क्योंकि आप नैतिक मानते हो, अनैतिक मानते हो, तो मर जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि बछड़े और बछिया के लिए वजन के अनुपात के हिसाब से दूध छोड़िए। तो हमारे किसान अक्सर ये करते रहे कि एक थन का दूध बछड़े और बछड़ी के लिए, 3 थन का दूध अपने लिए, तो ये बैलेंस की व्यवस्था है। पूरा दूध निकलता भी रहे, माँ भी जिंदा रहे, बछड़े भी जिंदा रहे, बछिया भी जिंदा रहे। अब क्या हुआ, इस देश में कुछ लोगों ने कहना शुरू किया दूध बच्चे का अधिकार है, आप पी रहे तो आप अनैतिकता कर रहे हैं। तो अब फैल गया, दूध पीना बंद कर दो, क्या पियोगे? आपके पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध के अलावा हिंदुस्तानियों के पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, घी है, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा है क्या आपके पास? दालों में प्रोटीन है, गेहूं में, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और दूसरी चीजें हैं। कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डी बनेगी नहीं, हड्डी बनेगी नहीं, शरीर चलेगा नहीं। कैल्शियम का एक ही भंडार है, दूध और दूध की बनी हुई चीजें। इसलिए भारतीय भोजन व्यवस्था में दूध सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है, और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा भोजन यही है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे को कैल्शियम सबसे ज्यादा चाहिए। अमेरिका और यूरोप में दूध की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके कैल्शियम की पूर्ति के लिए उनके पास दूसरी कई चीजें हैं। वो बीफ ईटर है, मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, गाय के दूध में कैल्शियम है, गाय के शरीर में कैल्शियम है, उसके मांस में बहुत कैल्शियम है, तो गाय का मांस खा के कैल्शियम की पूर्ति कर लेते हैं। सुअर का मांस खा के और ज्यादा कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। पोर्क ईटर हैं, बीफ ईटर हैं, मटन खाते हैं, ये सब खाते हैं, वो पूर्ति कर लेते हैं। हम शाकाहारी हैं, हमारे पास तो एक ही चीज़ है, दूध, और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए भारतीय व्यवस्था में तो दूध की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप नहीं पिएंगे, जानवर मर जाएंगे दूध नहीं निकालेंगे तो उनका, इसलिए दूध तो निकाल। भैंस में भी सामान्य रूप से 10-12 लीटर दूध होता है, एक दिन में उसके बछड़े को 1.5-2 लीटर की ही ज़रूरत है, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं, बाकी तो निकाल के आपके लिए ही है। अभी मैं चलते चलते आपको मेरा पता दे देता हूं, कभी भी आपके मन में सवाल आए तो आप पूछ सकते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, राजीव दीक्षित, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, आप मुझे पत्र लिख